बच्चों इसका नया स्टैंडर्ड का नाम 115, नाम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। ये शुरू करने से पहले प्लीज मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, और क्या चर्चा है सुन लो। क्यों ना हम लगे हाथ आरटीपी भी उठा के कवर अप कर लें, ठीक है? तो जो शीट आपको प्रोवाइड की गई है, जो शीट आपको प्रोवाइड की गई है, जो शीट आपको प्रोवाइड की गई है वो निकाल लो, ठीक है? वो निकाल लो सबसे पहले। तो अच्छा मैं साफ साफ कह दूं कि हम कौन से वाले बच्चे हैं, ओल्ड सिलेबस की न्यू सिलेबस? ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं। तो हम अभी जो इंडेस 15 पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ओल्ड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। आप बच्चों के से मैं अभी 2 मिनट बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सामने कैमरा पे बात कर रहा हूं। गाइस ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, ये वाला जो कंटेंट है, इसलिए ताकि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों में जो एक थोड़ा सा टेंशन वाला काम है कि इंडेस 115 पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या, तो वो पार्ट आपका कवर हो जाए। इस पार्ट में आपका इंडेस 115 भी कवर होगा, जितना भी पार्ट हो जाना चाहिए। उसके नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, डाउनलोड पे लिंक में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इस वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा AS9 AS7 वर्सेस इंडेस 115। तो ये वाला वीडियो न्यू सिलेबस वाले बच्चे ना देखें, और कृपया करके फोन पे ना पूछें कि सर हम ये देख सकते हैं क्या, मैंने पहले से ही बोल दिया ना देखें। चलो शुरू करें। इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। मैं अभी आपको AS9 पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं अभी आपको AS9 नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी क्या पढ़ाने वाला हूं, इंड एस 115। प्लीज गाइस निकाल लो, आपको जो शीट दी हुई है आप वो निकालो, ठीक है? आपको जो शीट दी हुई है वो निकालो, मैं डायरेक्ट निकालूंगा आरटीपी। बट यस आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने शीट में कितना कवर किया है और आरटीपी में कितना कवर है। मैंने आरटीपी में जितना कवर है उससे भी निकाल निकाल के मैंने आपको डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो चीज हमारे लायक है, हमारे काम की है, बस हम उतना ही पढ़ के जाए, ठीक है ना? वैसे ही सीए फाइनल वाले बच्चे के पास इतना समय नहीं है, वो सोचने बैठे कि यार कितनी ये पढ़ू कि नहीं पढ़ू। मैंने वो चीज आपकी थोड़ी सी मेहनत कम कर दी। इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। गाइस ध्यान से मेरी बात को समझना, ये स्टैंडर्ड क्या है, इसका क्या रेलेवेंस है। ये स्टैंडर्ड ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया। AS7 मतलब इंडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इंडेस 7 का जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था अब वो नहीं रहा। इंडेस 18 हुआ करता था रेवेन्यू, वो नहीं रहा। गाइडेंस नोट ऑन रियल एस्टेट अकाउंटिंग, वो भी नहीं रहा। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं रही। इतना मुश्किल था ये स्टैंडर्ड बनाना, ये स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल कि सारी इंडस्ट्रीज को कवर करके एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया जाए। सारी की सारी इंडस्ट्री को कवर किया गया है, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी शामिल है, इसमें सारी की सारी इंडस्ट्री शामिल है, सभी की सभी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं। ये स्टैंडर्ड एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि किसी भी कंपनी को रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ ये है कि भैया AS7 और AS9 को मिला लो तो इंडेस बन जाएगा 115। नो नॉट एट ऑल। इंडेस 115 जो है या AS7 और AS9 जो है वो इस स्टैंडर्ड का सिर्फ 20% भी नहीं है, ठीक है? दूसरी बात है, इस स्टैंडर्ड में इतनी सारी बातें क्लरिफाई की गई डीप में जो आज तक जिस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप शॉपिंग करते हो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में, तो आपके कार्ड बनाए जाते हैं। पूछा जाता है डू यू हैव कार्ड सर,
या मॉल भी नहीं जाते आजकल, अपन बिग बाजार सब्जी खरीदने भी जाते हैं, बिग बाजार अपन सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो अपना एक बिग बाजार का कार्ड होता है, होता है नहीं होता है वॉट एवर, कार्ड बनता है कि नहीं बनता है, और उसमें आपके पॉइंट्स मिलते हैं। कौन देता है आपको वो पॉइंट्स? वो पॉइंट्स कंपनी देती है, लॉयल्टी पॉइंट्स बोलते हैं। अब ये लॉयल्टी पॉइंट्स की रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे की जाएगी, सोचा है कभी किसी ने? इंडियस 115 ने सोचा? अभी तक उसका कुछ भी नहीं था। AS7 तो पॉसिबल नहीं है, AS9 भी पॉसिबल नहीं है। ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। जैसे वारंटीज दी आपको, आपको वारंटी दी गई सेल करने के साथ साथ आपको वारंटी भी दी गई। तो वारंटी जब आपको साथ में दी गई है तो पक्की बात है कि जब आपको सेल किया गया है तो वारंटी का भी पैसा लिया गया होगा, इनबिल्ट उसमें वारंटी का पैसा जुड़ा होगा। बोलो बेटा, इस स्टैंडर्ड ने बोला कि तुम पूरी पूरी सेल बुक क्यों कर रहे हो, तुम सेल पार्ट अलग करो और वारंटी का जो तुमने पैसा लिया है उसको डेफर एंड अमोर्टाइज कर लो। क्यों? क्योंकि तुमने वारंटी दी है 2 साल की, तो तुमने उसमें सेल में ही वारंटी का पैसा कवर कर लिया है। अरे समझो ना ध्यान से, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो तुम्हें जो कैशबैक मिलते हैं, कैशबैक्स मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, भी तुम्हें लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, इन सब के केस में तुम्हारा तो ठीक है, एक कंपनी अकाउंटिंग रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगी? मैं सिर्फ आपको ये 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे 100 प्रकार की चीजें हो सकती हैं, 100 प्रकार की चीजें। जियो आया था, जियो आते साथ ही उसने धमाल मचा दिया और उसने बोला कि हमारी सिम खरीद लो, पर आपको सिम खरीदनी पड़ेगी फोन के साथ। स्टार्टिंग में यही हुआ था, हमारी सिम खरीदो, और एक लाइफ का सेट आता था, एक LYF करके लाइफ का मोबाइल फोन आता था, वो जियो के साथ ही स्पॉन्सर था। और स्टार्टिंग में जब जियो आया था शुरू में, आज से 1.5 साल पहले, तो प्रीमियम कनेक्शन मिलते थे जियो के, और ऐसा था कि आपको कनेक्शन तभी जियो की सिम तभी मिलेगी जब फोन खरीदोगे। तो सोचो हाउ टू अलोकेट योर इंटायर रेवेन्यू इनटू फोन हैंडसेट एंड नेटवर्क सिम कार्ड, यू हैव टू अलोकेट योर रेवेन्यू। ये कभी अकाउंटिंग सोची ही नहीं गई। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, कल को कोई ऐसी कंपनी आ जाए जिसने बोल दे कि हम तो आपको इनकमिंग मुफ्त दे रहे हैं, तुमसे हम सिर्फ डेटा का पैसा दे रहे हैं, वो भी अभी आ गई है, और उसमें हम सिर्फ अभी तुम्हारा 3 साल का प्लान है और 3 साल में तुम जितना यूज करना चाहो करो। हाउ टू अलोकेट रेवेन्यू इन इनकमिंग कॉल्स एंड डेटा। इनकमिंग कॉल्स तुम्हारे लिए तो फ्री है, कंपनी के लिए थोड़ी फ्री है, कंपनी के लिए थोड़ी वो इनकमिंग कॉल फ्री है, कंपनी की तो कॉस्टिंग लग रही है उस पर, तुम्हें कंपनी ने फ्री में दे दिया। हाउ द कंपनी विल अलोकेट इट्स रेवेन्यू इन डेटा बेस्ड इनकम एंड कॉल बेस्ड इनकम, एंड हाउ द कंपनी विल अलोकेट इट्स रेवेन्यू बेस्ड ऑन 3 years इंटायर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ये स्टैंडर्ड ने सारी बातों का जवाब दिया है, बट ऐसा मत सोचना कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको डिट्टो एग्जांपल्स ऐसे के स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे और आपको मिल जाएगा हाँ वारंटी का क्या होगा, इसका क्या होगा। स्ट्रेट अवे किसी चीज का आपको ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा, आपको इंटरप्रिटेशन करके निकालना पड़ेगा उसका एग्जांपल। इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में 96 या 100 पेजेस में ये पूरा स्टैंडर्ड कवर किया है। इट इज एक्सपेक्टेड कि ओल्ड सिलेबस में भी हो सकता है पूछा जाए और न्यू सिलेबस में भी तो पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। हम इस स्टैंडर्ड को किस तरीके से कवर करने वाले हैं, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए वे वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड के नाम को मेरे साथ 3 बार बोलिए जल्दी ताकि ये नाम याद हो जाए। क्या? रेवेन्यू, थोड़ा बेटा प्लीज जोश में, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। फिर से 3 बार हो गया, फिर से नाउ फुल स्टॉप। सबसे लास्ट वर्ड क्या है? कस्टमर्स। ये स्टैंडर्ड बोलता है सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर कि साले तू जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है वो तेरा कस्टमर है भी कि नहीं। अगर तेरा कस्टमर ही नहीं है तो तेरा रेवेन्यू नहीं है। पहली बात तो ये डिफाइन कर ले कि हु इज योर कस्टमर, कस्टमर है भी कि नहीं है। पहली बात तो तुम सबसे पहले ये देख लो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है और कस्टमर है कि नहीं है। अरे बोलो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, और पहले ये चेक कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कस्टमर है कि नहीं। तो सबसे पहले हु विल बी योर कस्टमर वो चेक कर लो। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां पर वो तुम्हारा कस्टमर नहीं है तो फिर वो तुम्हारा इसमें कवर ही नहीं होगा। सर जैसे ज्वाइंट वेंचर, मैंने एक ट्रांजेक्शन किया किसी के साथ मिलके, मैंने एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया,
मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक पार्टी के साथ मिलके कि चल सर साथ में मिलके काम करते हैं। क्या ये चीज इंडिया 115 में कवर होगी? नहीं, बिकॉज ही और शी इज नॉट माई कस्टमर। हम आपस में एग्रीड पार्टीज हैं एक दूसरे के लिए। बेटा बोलो समझ में बात है कि नहीं? तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आइडेंटिफाई कस्टमर। सबसे पहले तो बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो ना बेटा, क्या बोलता है? आइडेंटिफाई कस्टमर, आइडेंटिफाई द कस्टमर फर्स्ट। गाइस क्लियर हो गया कि नहीं? आइडेंटिफाई द कस्टमर फर्स्ट। ठीक है सर, समझ में आया? आइडेंटिफाई द कस्टमर फर्स्ट, हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी शीट है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, शीट के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा साथ में। गाइस सबसे पहले अगर आप शीट से देखोगे तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ने बोला, इस स्टैंडर्ड ने क्या बोला, इस स्टैंडर्ड ने बोला कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको 5 स्टेप्स सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। 5 स्टेप्स सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं 5 स्टेप मॉडल, 5 स्टेप मॉडल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। मुझे लगता है तुम्हारे ओल्ड सिलेबस में सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 5 स्टेप मॉडल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, और यही पूरे AS इसी 100 पेजेस से भरा हुआ है। एक स्टेप 20-20, 30-30 पन्नों की है, वहां पर एक एक स्टेप के बारे में जो एनालिसिस किया गया 20-20। तुम्हारे पास जो एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, वो आ सकता है डिफाइन 5 स्टेप मॉडल अंडर इंडियस 115। 5 स्टेप क्या है, वो 5 स्टेप्स क्या है, मेरे साथ साथ ध्यान रखना वो 5 स्टेप्स क्या है। CPT में ऑल इंडिया रैंक आ गई, इंडिया वर्ड हटा दो, CPTAR 5 स्टेप्स तुम्हारी CPTAR है। सर ये क्या होती है CPTAR? CPT आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पहली स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट। आपके सामने नोट्स हैं तो इसीलिए स्क्रीन पे ना भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास RTP है, उलझ जाओगे। स्क्रीन पे नहीं भी होगा, नहीं भी देखोगे तो चलेगा। यू गाइज आर हैविंग नोट्स ना, बोलो ना, बस अपने नोट्स पर ध्यान दो, ठीक है। CPT पहला क्या है, चिल्ला के बोलो, जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर। सबसे पहले तो चेक करो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं है। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट तो आगे स्टेप बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करोगे जब तक तुम ये प्रूव ना कर दो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, सी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बेटा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं आपको यहां पर आया हूं पढ़ाने, फॉर मी यू आर कस्टमर। प्लीज उसको आप अदरवाइज मत लेना, इसको अपन एग्जाम्पल में लेते हैं ना, ठीक है ना, आप उसको अदरवाइज मत लेना। यू आर कस्टमर्स, आई एम सर्विस प्रोवाइडर, यू आर कस्टमर्स। बेटा पहली बात क्लियर, उसमें पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरली, इट कैन बी इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म ऑल्सो। क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? यस, यहां पर एक अज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे का। क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आई एम गोइंग टू टीच यू अगेंस्ट विच यू गोइंग टू पे मी, दैट्स इट, सिंपल। सो टेल मी सेकेंड स्टेप, वॉट इज माई ऑब्लिगेशन, what is my performance obligation? I need to perform my teaching. And your, what is your performance obligation? To cooperate and to pay the fees. वो तो भूल ही गए यार। What is your performance obligation? हाँ तो वही obligation तो थी ना इस contract में, तुम्हारी obligation क्या है? To pay the fees. और मेरी obligation क्या है? टू टीच। तो सेकेंड स्टेप है पी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो है, अब ये पहचानो कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है परफॉर्म करने की। तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो, तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो? बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, पी मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, CP। हाँ, जिसका तुम रेवेन्यू की बात कर रहे हो उसका देखना है। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। जिस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात कर रहे हो उसका देखना है, हाँ एंटिटी का देखना है। मतलब हमारे एग्जांपल में तुम मेरा देख लो, ठीक है। पहला फिर से आइडेंटिफाई द
कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दूसरा बोलो बेटा क्या है, दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कौन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, और तीसरा टी, टी मींस ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, फीस, फीस क्या है, जो भी फीस है, फीस, फीस क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस, बोलो ना फीस क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए, वो फीस क्या है उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए, ट्रांजैक्शन प्राइस, बोलो बेटा तीन बातें कौन सी, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकंड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है क्या, यस सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी मोर देन वन ऑल्सो, एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को छोड़ दो ना, वो पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कोई, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेल्स प्लस वारंटी, यस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो दो हो गई, सेल भी कर रहा हूं और वारंटी, और कोई एग्जाम्पल, फ्री आफ्टर सेल सर्विसेज वो भी हो गई, और मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया तो मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या क्या मिलने वाली है, एक तो मुझे नेटवर्क मिलने वाला है और साथ साथ मुझे टेलीफोन और मॉडम और वो सब मिलने वाला है, बोलो बेटा वो भी मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने उसको पे किया है, जो मैंने उसको पे किया वो तुम्हारी तीसरी स्टेप है, क्या है, ट्रांजैक्शन। अब मजेदार पॉइंट आएगा, ए, ए स्टैंड्स फॉर अलोकेशन, जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करो। तुमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया 6000 रुपए में, तुम्हें क्या क्या मिला, तुम्हें क्या क्या मिला, नेटवर्क मिला महीने भर का, जो 6 महीने का तुम्हें नेटवर्क मिला, इसके बाद तुम्हें मॉडम मिला, कंपनी 6000 एक सिंगल इनकम बुक नहीं करेगी, कंपनी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेक करेगी, यहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो है, क्या, टू डिलीवर मॉडम है ना, एंड एंड सेट पूरा जो पूरा इक्विपमेंट्स, एंड टू डिलीवर सर्विस फॉर द 6 मंथ्स, अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस इंटू टू पार्ट्स, कौन से टू पार्ट, जल्दी बोलो कौन से टू पार्ट्स, इक्विपमेंट्स एंड सर्विस, इक्विपमेंट्स वाले पर अभी के अभी रिकॉर्ड कर क्योंकि तुमने मॉडम उसको दे दिया, और सर्विस वाले पर अभी रिकॉर्ड मत कर, एज एंड व्हेन इट अकर्स, आया समझ में कि नहीं, तुम 6000 इकट्ठे बुक नहीं कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं, बोलो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको रिलायंस जियो लाइफ का सेट बोल रहा था, उसमें भी क्या है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी, क्या है, एक नेटवर्क और एक रिलायंस सेट का, वो जो मोबाइल साथ में दिया, हमने तो पूरा एक ही परचेज किया ना, पर उसको कंपनी क्या करेगी, उसको बायफर्केट करेगी, आई बात समझ में कि नहीं, फिर से मेरे साथ, सबसे पहला क्या, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद, डिफाइन नहीं, मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं, मुझे पहचानना है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दूसरा आइडेंटिफाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, सीपी, टी में टी मतलब क्या, डिटरमाइंड ट्रांजेक्शन प्राइस, कोई ट्रांजेक्शन प्राइस है कि नहीं है, डिटरमाइंड ट्रांजेक्शन प्राइस, और चौथा इस ट्रांजेक्शन प्राइस को अलोकेट करो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, आई बात समझ में कि नहीं, अब बस अलोकेट कर लिया ना, पांचवी स्टेप क्या है, आर, आर मींस रिकॉर्ड, रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाए वैसे वैसे रिकॉग्नाइज करो, पांच स्टेप, क्लियर है कि नहीं, आपसे ये पांच स्टेप्स का सवाल आराम से पूछा जा सकता है कि पांच स्टेप्स बताइए बेटा मेरे सामने, क्लियर करो जल्दी बताओ, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, दूसरा आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, चौथा अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस इन द टू द डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दो तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब हुआ उसी वक्त कर दो, या एज एंड व्हेन द सर्विस अकर, आई बात समझ में कि नहीं, बोलो बच्चों क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 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 सबसे बेस्ट, कार खरीदने गए आप, आपने लग्जरी कार परचेस की, सीए बन गए और आपने पैसे कमाना शुरू किया और लग्जरी कार खरीद ली, आपने खरीदी 50 लाख वाली कार बीएमडब्ल्यू खरीदी, ठीक है ना, आपकी जो कार मिली आपको उसमें आपको 3 साल की सर्विस मिली है, आपके लिए तो फ्री है, कंपनी के लिए फ्री थोड़ी है वो सर्विस, कंपनी के लिए फ्री है क्या, नहीं, कंपनी ने आपको 3 साल की सर्विस दे दी फ्री में,
ठीक है, और कंपनी ने आपको बोला कि कार की वैसे इनबिल्ट वारंटी 5 साल की है, आप हमसे एडिशनल वारंटी ले सकते हो, आप हमसे एडिशनल वारंटी 4 साल की और ले सकते हो इतने इतने में, उसके लिए आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। भाई बीएमडब्ल्यू यार, 4 लाख रुपए तो पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या क्या हो गई और ट्रांजेक्शन प्राइस क्या क्या हो गया। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ कार। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सीपी पी पी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मेरी मेरी कंपनी के मेरे पॉइंट से सोचना, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कार बेचना, सर्विसेज देना और एक्सटेंडेड वारंटी भी इसको प्रोवाइड करना, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तीन तीन है। अच्छा तीसरा क्या है, डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, 50 लाख कार के, 4 लाख उसके, 54 लाख, अरे बोला ना 54 लाख, अरे रुको तो सही, रुक मैं समझ गया तेरी बात, 54 लाख है कि नहीं है। हाँ, अब चौथा पॉइंट क्या है, अलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस ओवर द इन टू द डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बार बताओ, 4 लाख रुपए मैंने किससे लिए, एक्सटेंड वारंटी की, तो उसको तो उसमें डाल दो पूरा का पूरा, 50 लाख, 50 लाख के हिसाब से मैंने तेरे को कार बेची है, कायदे से कार, सिर्फ कार कार, अगर सर्विस हटा दूं मैं तेरी 3 साल की, तो कार कार तेरे को आनी चाहिए 42 लाख की, 42 लाख की, मतलब जो सर्विस दे रहा हूं ना तेरे को 3 लाख, 3 साल की फ्री सर्विस, वो 8 लाख की सर्विस है, बोलो बेटा, उसको भी अलोकेट कर दिया। अब तुम्हारी कार कार कितनी की बची, 42 लाख। अब मुझे बताओ कि मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा सेल इमीडिएटली 42 लाख, बोलो बेटा, और क्या करूंगा, और एक लाइब्रेरी बुक कर लूंगा, पहले से 8 लाख रुपए मिल गए, जबकि 8 लाख रुपए की सर्विस अभी मैंने नहीं दिए, ये कब बुक करूंगा, जैसे जैसे सर्विस होती जाएगी, और एक्सटेंडेड वारंटी के भी पैसे ले लिए मैंने, कंपनी की वारंटी 5 साल तो इनबिल्ट है, 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, तो 5 साल तक तो मैं इसको लाइब्रेरी बनाऊंगा, और 6ठे साल से मैं इसको बुक करना शुरू करूंगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं आया क्या, हाँ बोलो क्लियर हुआ गाइस, समझ में आ रही बात कि नहीं। देखो आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अगर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आपके पहला पॉइंट में दिखेगा अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में क्या हो सकता है, अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज क्या लिखा है इस वर्ड पे, साला 2 पेजेस 3 पेजेस खराब किए इंस्टीट्यूट ने, खराब मतलब इस वर्ड पे इन्होंने बाल बात कर ली कि डिस्टिंक्ट होगा तो अलग अलग करो, डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो अलग अलग मत करो। सर ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, दैट इज डिस्टिंक्ट, जीएसटी वाली टर्म मत बोलो यार, नेचुरली बंडल्ड। हाँ जल्दी बोलो, दैट इज डिस्टिंक्ट, तुमने मुझे अपना घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्या दिया, अपना घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, जल्दी बोलो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। तुम बोलोगे कंस्ट्रक्शन, मैं तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताऊं, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर उसको फर्निश करना। बोलो बेटा मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलग 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 कर रहा हूं, बोलो ना बेटा, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है एक तो स्ट्रक्चर खड़ा करना, उसमें मुझे सीमेंट लगाना पड़ेगा, रेत लगाना, सैंड लगाना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा, एक मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है। दूसरा उसमें मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑब्लिगेशन है, मुझे तुम्हें पार्किंग एरिया भी देना है, मुझे तुम्हें लिफ्ट भी देना है। आई बात समझ में कि नहीं, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को बांट दिया, बट एक बार बताओ ये जितने भी मैंने अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बांट दी, ये डिस्टिंक्ट है कि नॉट डिस्टिंक्ट है, ये नॉट डिस्टिंक्ट है। जनरली कंस्ट्रक्शन में तो मुझे इंटायर पूरा कंस्ट्रक्शन करके इसको सामने वाले को देना पड़ेगा। अब मैं क्या ये बोलूंगा कि भैया ईट लगा ली इतनी तो ईटों का रेवेन्यू इतना अलग से बुक करूं, फिर लेबर लगा ली तो लेबर का रेवेन्यू अलग से बुक करूं। आई बात समझ में कि नहीं, तो डिस्टिंक्ट नहीं है ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको डिस्टिंक्ट नहीं किया जा सकता। बोलो बेटा आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा 5 स्टेप में क्या था, पहला क्या था कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस, तीसरा था ट्रांजैक्शन प्राइस। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। अच्छा ये ट्रांजैक्शन प्राइस का एक पॉइंट लिखा हुआ है, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज ऑल्सो एडजस्टेड, सेकेंड लास्ट पॉइंट बेटा, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है,
इसका मतलब अगर तुम्हें अभी नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, तो उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज ही निकाल के रख लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब रिजर्व, तुम रेवेन्यू बुक करोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए, हाँ प्रेजेंट वैल्यू पे। क्लियर बेटा? उसके बाद दूसरी कौन सी थी, चौथी नंबर कौन सी थी, चौथा नंबर पॉइंट क्या था, अलोकेशन। अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आपको अलोकेशन करना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और पांचवा क्या था, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कहीं से इतना क्लियर है कि नहीं? ये हमने पांच स्टेप मॉडल पढ़े, सिर्फ ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़े, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अभी हमने रेवेन्यू की बात की, रेवेन्यू को फाइव स्टेप मॉडल में कैसे बुक करने के लिए फाइव स्टेप मॉडल आपको कैसे कैसे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में कुछ बातें बोलता है ये। आइए बेटा पढ़े कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। वन सेकेंड, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे का क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे का क्या करोगे? उस खर्चे को असेट ट्रीट करोगे, कैपिटलाइज करोगे। उस असेट को क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। सर कैपिटलाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो खर्चा किया है? यस सर, पर वो कॉन्ट्रैक्ट तो दो महीने में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है ना, तुम असेट मान लो दो महीने के लिए, राइट ऑफ कर देना। और अगर यहीं पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पांच साल चलेगा तो उसको तुम्हें कैपिटलाइज करके पांच साल में अमोर्टाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? तो क्या लिखा है आपके नोट्स में, पढ़िए क्या लिखा है। दीज कॉस्ट, दोज कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर दैट इट वुड नॉट हैव इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो यह खर्चा नहीं होता। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज दीज कॉस्ट एज एन असेट इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिकवर दोज कॉस्ट, इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिकवर दोज कॉस्ट। आई बात समझ में नहीं? अगर एंटिटी को पता है कि मैं वो कॉस्ट भी रिकवर कर लूंगा तो उसके लिए वो क्या होगी? असेट मानी जाएगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो ना बेटा, क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है उसके बाद आपके नोट्स में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज एज एन असेट शैल बी अमोर्टाइज ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस, systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which asset relates. आपने खर्चा किया, आप जिस basis पे अपना step number 2 follow करते जा रहे हो, step number 2 क्या था? performance of, आप जैसे जैसे performance obligation देते जा रहे हो आप वैसे वैसे खर्चा बुक करते जाओ। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते जा रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देते जा रहे हो, आप अपने कॉस्ट को अमोर्टाइज करो सिस्टमेटिक बेसिस पर। यहां पे एसएलएम वेसएलएम कहीं नहीं लिखा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा? अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? गाइस क्लियर है कि नहीं बोलो? बच्चों क्लियर है पक्का? सो दिस इज सिंपल, सिंपल सा मोड था ये आपका इंडेस 115 का। इंडेस 115 में मैंने आपको नहीं पढ़ाया ज्यादा कुछ भी, जो आप लोगों के लिए रिलेवेंट है हमने वो पढ़ा। क्या आप लोगों के लिए रिलेवेंट है? फाइव स्टेप मॉडल और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग क्या बातें बताई मैंने आपको? कैपिटलाइज कर देना एज एन असेट कर देना, अगर इफ यू कैन रिकवर दैट कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है ना। और उसको कैसे अमोर्टाइज करने का? सिस्टमेटिक बेसिस पे अमोर्टाइज करने का। बोलो ना, सिस्टमेटिक बेसिस पे अमोर्टाइज करने का, है ना। जैसे जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते जा रहे हो। समझ में मेरी बात आई कि नहीं? अब आते हैं अपन अपने नॉर्मल AS9 पे। तो इमीडिएटली पी एंडल अगर रिकवर नहीं कर पाते तो, ठीक है? बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? अब आपको जो शीट दी गई है वो निकालें, जो आपको शीट दी गई है वो निकालें जल्दी।
हाँ जी ओके पहले अपन पढ़ेंगे डिफरेंसेस। कार्व आउट बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन डिफरेंसेस पढ़ेंगे। शीट में है आपके पास? टेल मी बेटा, इवन मैंने डिफरेंसेस भी वही दिए हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस क्या है? कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस, कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस, ये वाला कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस ऑन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। याद है मल्टीपल एलिमेंट करके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग है ना, एक्सटेंडेड वारंटी और ये लॉयल्टी पॉइंट्स, आपको कैश बैक, दुनिया भर की चीजें वगैरह, मल्टीपल एलिमेंट। सबसे पहले आते हैं AS 9 क्या बोलता है। AS 9 वाला पॉइंट पढ़ो, क्या बोलता है AS 7 AS 9 डू नॉट प्रोवाइड कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस ऑन दिस एस्पेक्ट। अगर आप सेल कर रहे हो मल्टीपल एलिमेंट्स की एक साथ बंडल में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी एक से ज्यादा है, बोलो बेटा क्या क्या होगा उसके ऊपर? शांत है, शांत है मतलब कुछ भी नहीं बोलता। जबकि इंडेक्स 115 क्या बोलता है? गिव्स कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर मल्टीपल एलिमेंट्स विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। मतलब इंडेक्स 115 स्पेसिफिक इसके ऊपर गाइडेंस देता है कि किस तरीके से आप इसको बुक करोगे। जैसे मैंने आपके अभी आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया वारंटीज वाला, है ना, वारंटीज वाला। अच्छा दूसरा क्या है? मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू। दूसरा क्या है? हाँ ये मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू, मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू। पहले AS 9 का पढ़ो, क्या लिखा है AS 9? रेवेन्यू मींस द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स, अदर कंसीडरेशंस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू मेजर्ड बाय द चार्जेस मेड टू कस्टमर्स और क्लाइंट्स फॉर गुड्स सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम एंड बाय चार्जेस एंड रिवॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय देम। AS 7 के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज मेजर्ड एट कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एज कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस If certain conditions are met, मतलब वही रेवेन्यू की डेफिनेशन लिख दी। यहां पर क्या है मेजरमेंट में? इंडेक्स 115 रेवेन्यू इज मेजर एट, क्या लिखा है? ये ट्रांजेक्शन प्राइस का रिलेवेंट समझ में आ गया होगा ना? क्या ट्रांजेक्शन प्राइस? दैट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एंटिटी एक्सपेक्ट। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन एक्सपेक्ट। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था AS 9 में लिखा था रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल के साइड में तुमने लिख दिया था एग्रीड, जबकि AS 9 बोलता है एग्रीड बेसिस पे, यहां पर बोलता है एक्सपेक्टेड बेसिस पे। Expects the consideration which the entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services. वही performance obligation आपको जो आपने दिए उसके बदले आपको कितना कितना मिलेगा to a customer excluding amount collected on behalf of third parties. मतलब government के behalf पर जो आप taxes collect करते हो वो आपके revenues नहीं होंगे। हाँ जी एग्जैक्टली एक्सपेक्ट टू रिसीव, यस। 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ सर्कमस्टांस की वजह से आपका कहना है कि आपका वो 6,000 ही कलेक्टिबिलिटी वाला एक्सपेक्टेड है और आपको एक्सपेक्टेड आपके जो प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस जो आप डिलीवर कर रहे हो उसके बदले आपको 6,000 ही मिलेगा, तो आप क्या करोगे? 6 के ही हिसाब से बुक करोगे। समझ में आया कि नहीं? अग्रीड हिसाब से बुक नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं करोगे 10,000 की सेल बुक करके 4,000 का बैड डेट बुक करो। आई बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेशन से तो फिर वो आप उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू बुक करोगे बाद में। भाई पहले कितना था आपका? 6,000, बाद में आपका 7,000 हो गया, तो आप एक्स्ट्रा उस टाइम पे बुक करोगे। हाँ बाद में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एज पर इंडेस 115 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। जब कस्टमर के पास पूरा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। और यहां क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। बात ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस यह है कि इंडेस 115 ने कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा वो तभी होगा जब वो 5-स्टेप मॉडल सेटिस्फाई होगा, तभी मानेंगे। कंट्रोल ट्रांसफर तभी होगा जब वो 5-स्टेप मॉडल होगा, अदरवाइज जब तक 5-स्टेप मॉडल नहीं हो जाता तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो बल्कि तो मैं तो कहता हूं कि ये पॉइंट उन्होंने आधा अधूरा दिया है। इसमें आप लिख सकते हो कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन सच 5-स्टेप मॉडल आर फॉलोड आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना।
जबकि यहां पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। अरे भाई तुमने तो ट्रांसफर कर दिया, तुम्हें पता नहीं पैसा मिले ना मिले, क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? और क्या है नेक्स्ट? हमने पढ़ा था शायद कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, याद है? ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हाँ, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए करते हो, जिसको आपको लगता है कि आप रिकवर कर लोगे, आप उसको असेट बनाते हो। जबकि AS9 वगैरह ऐसे कोई पॉइंट कॉस्ट के बारे में चर्चा नहीं करता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोले बेटा, तो ये आपके मेन मेन डिफरेंसेस आपके ये है। कितने डिफरेंसेस हो गए? चार डिफरेंसेस आपके ये इंपॉर्टेंट, जो आपको डिस्कस कर, जो आपको सोच कर, करके जाना है। इसके अलावा एक कार्व आउट आप हाँ जरूर करके जाना, एक ये नया कार्व आउट है, कार्व आउट इन इंड एज 115 फ्रॉम IFRS 15। कार्व आउट इन इंड एज 115 फ्रॉम IFRS 15। ये IFRS 15 मतलब इंटरनेशनल ऑफ, और इंड एज 115 अपना इंडियन वाला। एक कार्व आउट क्या है आइए देखें। IFRS 15 प्रोवाइड दैट ऑल टाइप ऑफ पेनल्टीज विच मे बी लेविड इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंसिडर्ड इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू। मैं इसको सिंपल भाषा में बोल देता हूं, IFRS 15 बोलता है कि जितने प्रकार की भी पेनल्टीज तुम कलेक्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तुम उन सारी पेनल्टीज को अपने रेवेन्यू का हिस्सा मानोगे। सीधी बात है, ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा मानोगे। समझ आया कि नहीं? जबकि इंडेज 115 क्या बोलता है, इंडेज 115 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट पेनल्टीज शैल बी अकाउंटेड फॉर एज पर द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पेनल्टी इज इनहेरेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। अगर पेनल्टी इनहेरेंट है, ट्रांजेक्शन प्राइस से कोरिलेटेड है, तो तुम उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में ही रहने दो। इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, अदरवाइज द सेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसिडरेशन एंड द ट्रांजेक्शन प्राइस शेल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। मतलब पेनल्टी को हटाकर जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस आ रहा है, क्या बोला मैंने, पेनल्टी दो टाइप की हो सकती है, या तो पेनल्टी तुम्हारी ट्रांजेक्शन प्राइस से जुड़ी हुई है, इनहेरेंट है, लाइक पेनल्टी आपकी इनहेरेंट है, तो क्या इसको कैसे बोल सकते हो ट्रांजेक्शन प्राइस से जुड़ी हुई है, लाइक तुमने अगर टाइम पे मेरा काम, हाँ हाँ तुमने अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक किया हुआ है अपने कस्टमर के साथ, और तुम्हारे परफॉर्मेंस कंडीशन में यह है कि अगर तुमने टाइमली कंप्लीट नहीं किया, इतने टाइम में कंप्लीट नहीं किया, तो मैं तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस इतने 10% से गिरा दूंगा। तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो उतने से गिरा दूंगा मैं। बताओ ये क्या है, तुम्हारी पेनल्टी डायरेक्टली लिंक्ड टू द ट्रांजेक्शन प्राइस है कि नहीं है, तो तुम इसको रेवेन्यू का पार्ट बनाओगे। IFRS क्या बोलता है, मत सोचो कि तुम्हारी पेनल्टी क्या है, तुम तो सारी पेनल्टीज को रेवेन्यू का पार्ट बनाओगे। एग्जैक्टली मतलब अंडर IFRS 15 ऑल टाइप ऑफ पेनल्टीज फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू शैल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, बट एज पर इंड एज ओनली दोज पेनल्टीज विच आर इनहेरेंट टू द ट्रांजेक्शन प्राइस इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस आर ओनली टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। अदर सच पेनल्टीज लाइक तुम्हारे ट्रांजेक्शन प्राइस को मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे ट्रांजेक्शन प्राइस को मैं नहीं हिलाऊंगा। अगर तुमने थोड़ा सा डिले किया तो तुम्हें अलग से 2% तुम्हें अलग से देने पड़ेंगे। ये बोलो बेटा, तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं हिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे केस में क्या होगा, क्या होगा बोलो ना, उस पेनल्टी को सेपरेटली आप बुक करोगे, आप उसको रेवेन्यू में से लेस नहीं करोगे, मतलब रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनाओगे। समझ में आएगी नहीं? बस ये छोटा सा एक कार्व आउट है और कुछ नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूं, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, मतलब एंटिटी जो इंडेस फॉलो कर रही है उसके लिए एक्सपेंस है ना बेटा, एक्सपेंस उसके लिए, तो वो पेनल्टी अपने वो रेवेन्यू में एडजस्ट करेगी। एग्जैक्टली मतलब वो वेरिएबल कंसीडरेशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ गाइस ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? तो इसी के साथ अपना ये AS9 और जितना भी पोर्शन आपके इंड AS 115
और इसके साथ डिफरेंसेस वाला पोर्शन वो जो था रिलेवेंट वो भी अपन ने कवर अप कर लिया। बेटा बात समझ में आई कि नहीं? हो जाएगा गाइस, चल सकते हैं आगे अपन। आगे कौन सा टॉपिक? टेल मी बेटा, कैन वी डिस्कस आरटीपी अमेंडमेंट्स? हाँ, कैन वी डिस्कस आरटीपी अमेंडमेंट्स फर्स्ट? टेल मी गाइस, आरटीपी अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले शीट आरटीपी अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आरटीपी अमेंडमेंट्स, ओके ओके, आप देखते जाएंगे सबसे पहले साथ में आरटीपी अमेंडमेंट्स। आपके पास जो शीट है आप निकाल के रखिए, पहला नंबर पॉइंट पढ़िए जब तक मैं निकालूं। पहला पॉइंट आप पढ़ो, पहला पॉइंट है शेड्यूल थ्री डिवीजन वन। देखो क्या चेंज किया है, वो तुम लोगों को पता भी है, वो तुम लोगों को पता भी है। क्या है पता? ये वाला क्या है इंपॉर्टेंट कि भाई जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो फिक्स असेट्स की जगह तुम्हें रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलो बेटा, अगला चेक करो, सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट भी आपका शेड्यूल थ्री का ही है क्या? आज के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से नहीं बोलोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलोगे, बस नाम में थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, ठीक है ना? तुम्हारा नाम जय किशन हुआ करता था, अब तुम्हारा नाम जैकी है, ठीक है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हो गया बेटा, ये क्या बीच बीच में मतलब घुसर पुसर कर रही है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा शेड्यूल टू के रिलेटेड आपके डिविजन वन के रिलेटेड सिर्फ यही दो डिफरेंसेस है, ठीक है? देखो उसके बाद उन्होंने डिविजन टू बोला है, डिविजन टू दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 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 पता नहीं क्यों आई नहीं रहा, बढ़ते जा रहे हैं। डिविजन थ्री भी बोला है पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, हाउएवर दिस डिविजन थ्री हैज नॉट बीन मेड एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। तो भी डाल दिया, तभी बोल रहा हूं ना डिविजन थ्री, ठीक है? डिविजन थ्री किसके लिए होता है? बैंकिंग कंपनीज के लिए होता है फॉर्मेट, ठीक है? अच्छा, एक नया अच्छा अमेंडमेंट है इंड एस 20 का, आपके उसमें है बेटा, आप उसमें पहले देखो, अगर नहीं होगा तो मैं इधर दिखा दूंगा, ठीक है ना? स्क्रीन पे तब देखो जब आपकी शीट में कुछ नहीं होगा या तो जब मैं स्पेशली बोलूं। आप अपनी शीट में चेक करो क्या है, कुछ इंड एस 20 से रिलेटेड कोई चीज है क्या? क्या लिखा है मैं पहले समझा दूं, दो मिनट समझा दूं। AS-12 गवर्नमेंट ग्रांट सबको पता है? अरे गवर्नमेंट ग्रांट सुना है कि नहीं सुना है यार? आईपीसीसी का वाला था ना तुम लोगों का? हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट जब तुम्हें काइंड में मिलती है नॉन मॉनेटरी तो कैसे रिकॉर्ड करते हो? नॉमिनल वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करते हो? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो AS-12 में? करते हैं सर। नॉमिनल वैल्यू कितनी होती है? ₹1, ₹10। जो इसका इंडेस है ना, इसका इंडेस का नाम है AS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। बेटा मैंने AS-20 लिखा है ना, उसमें लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट्स, जहां टॉपिक नेम लिखा हुआ है AS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब AS-20 क्या बोलता था? वो बोलता था कि नॉन मॉनिटरी अगर असेट मिल रही है तुम्हें, ग्रांट मिल रही है, तो हम तुम्हें उसको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करने नहीं देंगे, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोलता था? फिर बोलता था, अब अमेंडमेंट पढ़ लो। वो बोलता था पहला पॉइंट पढ़ो बस, अमेंडमेंट का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मत पढ़ना। रिकॉर्डिंग द नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट एट नॉमिनल अमाउंट, ये एक ऑप्शन दे दिया। ऊपर क्या लिखा है? नाउ एंटिटीज हैव ऑप्शन, मतलब अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या बोलो बेटा नॉमिनल पे रिकॉर्ड करो। पहले क्या था? ओनली फेयर वैल्यू। लेट मी शो यू वन थिंग, कैन यू प्लीज टेल मी इन AS-12 कॉन्सेप्ट बुक में कौन से पेज पर है?
कौन से पेज पर है, उसके सबसे नीचे नीचे आओ, आपको मिलेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एएस एंड इंडियस। पहले ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी पहले आपको। एएस 12 और इंडियस 20। बेटा ऊपर की हेडिंग पढ़ना क्या क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अरे बेसिस ऑफ डिफरेंस कहां लिखा है, नॉर्मेटरी। ओह उसका हॉस्टल का टाइम हो गया ना। हाँ बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरी हेडिंग क्या है बेटा, वो एस 20 नहीं, वो एस 12 है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि पॉइंट पढ़ो, वो मिस्टेक हो गया। एएस 20 नहीं है, वो एएस 12 है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। और दूसरा क्या है, इंडियस 20। क्या डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या, पहला डिफरेंस देखो असिस्टेंस। बेटा एएस 12 गवर्नमेंट असिस्टेंस को डील नहीं करता, जबकि इंडियस 20 गवर्नमेंट असिस्टेंस को भी डील करता है। सर ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मतलब नॉन मॉनिटरी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई नॉन मॉनिटरी हेल्प मिल गई। मान लीजिए मैं, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है वो इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है, मैं इंडियन कंपनी हूं, मैं इंडिया के बाहर ऑपरेट करता हूं, और मेरे को गवर्नमेंट हेल्प करना है ताकि वहां के रेगुलेशन से मैं फॉलो कर पाऊं, मतलब वहां के ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे भगाया जा रहा है कंट्री से, मुझे सरकार की मदद लेनी पड़ी। आई बात समझ में कि नहीं, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज आपके इंडियस में कवर है, जबकि एएस में नहीं कवर है। दूसरा पढ़ो ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। पहले एएस का पढ़ना, एएस का क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ ग्रांट शुड बी शोन एज कैपिटल रिजर्व विच इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। यही होता है, अगर अपने को नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मिलती है, लैंड वगैरह, आपको जितना भी ग्रांट मिला आप उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाते हो। अरे बोलो ना बेटा, इट फर्दर रिक्वायर्स दैट इफ अ ग्रांट requires fulfillment of certain obligations, the grant should be credited to the income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to income. अगर आपको पता है कि कुछ conditions हैं, कितने साल में fulfill करना है, तो आपको उतने साल में उसको write off कर सकते हो। India's क्या कहता है? India's 20 is based on the principle that all government grant would normally have certain obligations attached to it. Therefore, this grant is required to be deferred over the period over which the obligations are required to be fulfilled. मतलब इसको कभी तुम capitalism में ले ही नहीं जाओगे, इसको तुम हमेशा defer करोगे। जबकि AS 12 क्या बोलता था कि इसको capitalism में भी ले सकते हो या फिर defer भी कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ period में obligations fulfill करनी पड़ती हैं। बोलो बेटा, ये दो condition तो आज, ये दो differences तो आज भी हैं। तीसरा वाला पढ़ो नॉन मॉनिटरी ग्रांट पढ़ो। नॉन मॉनिटरी ग्रांट क्या लिखा है, इफ एक्वायर्ड एट कंसेशनल रेट देन एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट, इफ एक्वायर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट देन नॉमिनल वैल्यू। जबकि उधर क्या लिखा है, नहीं बेटा पर ये चेंज हो जाएगा ना, अभी अमेंडमेंट पढ़ा हमने, अब भी तो अमेंडमेंट पढ़ा क्या हमें, ऑप्शन एंटिटी हैज ऑप्शन टू, ऑप्शन है क्या, तुम नॉमिनल देख लो या तो मैं कौन सी पॉइंट काट लूं। हाँ यार सही बोले, नॉमिनल वैल्यू इज, ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है बोलो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। आपको याद है बचपन में तुम्हारा बचपन आईपीसीसी का असेट से रिलेटेड ग्रांट मिलती थी तो असेट की कॉस्ट में से लेस कर देते थे, या तो अलग से हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट बनाते थे, याद है कि नहीं। इंडियस 20 देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिडक्शन ऑप्शन इज, रुक जाओ पढ़ो ना अमेंडमेंट पढ़ो। Presenting the government grant related to asset by deducting the grant from carrying amount of the asset. अब उसने एक ऑप्शन वापस दे दिया। सर ये क्यों हो रहा है ऐसा? बेटा इंडस्ट्रीज उधम मचा रही होंगी, क्या कर रहे हो उधम मचा रही होंगे। ये किसके कारण चेंजेस हुए? ऑब्वियसली इतना सारा इंडस्ट्री नाक में दम करके बैठा होगा कि आप चेंजेस करो यार, ये हम अपना हिसाब से प्रेजेंटेशन ढंग से करने दो। तो इसीलिए समझ में आई बात की नहीं, अब ये डिफरेंस कट हो जाएगा। हाँ अब ये डिफरेंस कट हो जाएगा, कौन सा वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस आपका कट हो जाएगा। लास्ट डिफरेंस क्या है, लोन्स एट कंसेशनल रेट।
ये तो अभी भी रहेगा। अब मुझे इसमें आप बता सकते हो चाहे हो तो, लोन एट कंसेशनल रेट मतलब क्या? अरे हमने कल परसों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया है तो इंडिया 20 बोलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ग्रांट तुम्हें मिल, तुम्हें लोन दिया सरकार ने सस्ते में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान। इंडिया और एस 20 पता नहीं, पता नहीं, सॉरी एस 12, एस 12 क्या बोलता है पता नहीं, और इंडिया 20 इन अकॉर्डेंस विद 109 ERR ERI। बोलो बेटा क्लियर कि नहीं? ये फला तुम्हारा आज भी रहेगा। ऊपर एक मिनट, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या है? कार्व आउट्स। ये कार्व आउट्स है क्या है? पहला कार्व आउट पढ़ो, पहले कार्व आउट पढ़ लो अच्छे से, और हेडिंग ऊपर पढ़ो कि हेडिंग क्या है। ये आपका IAS 20 है और वो INDAS 20 है। IAS 20 मतलब IFRS, अरे IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। पढ़ो पहला कार्व आउट क्या है, आपको नहीं लगता? अब ये बचेगा नहीं, अब तो ये कट हो जाएगा ना। अब ये कार्व आउट मत करके जाना बेटा, अब ये कार्व आउट मत करके जाना। दूसरा, दूसरा क्या है? क्या दूसरा क्या है? ये भी हटाओ, मतलब अब आपका AS 12 और INDAS 20 का कोई कार्व आउट, सॉरी INDAS और IFRS का कोई कार्व आउट है ही नहीं। बेटा आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने शीट पे आ जाइए, अमेंडमेंट शीट पे आ जाइए बेटा। हाँ जी, INDAS क्या? टू, INDAS टू इन्वेंट्री, INDAS टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर क्या चेंज है अपन देखते हैं, इन्वेंट्री के ऊपर क्या। सर एक बात बताओ, इसमें इन्होंने इतने सारे INDAS कवर किए हैं, जैसे INDAS 115 से रिलेटेड इन्होंने INDAS ये 21 कुछ कवर किया है, ये INDAS 21 सर आपने तो दिया ही नहीं। फिर सर उसके बाद इन्होंने INDAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कवर किया है, आपने तो दिया ही नहीं। उसके बाद सर INDAS 12 भी कवर किया इनकम टैक्सेस, सर आपने तो दिया ही नहीं। बेटा सही बताऊं, देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये इतनी सारी चीजें जो है ना, ये जितने भी ये अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये अमेंडमेंट्स आर मोर रेलेवेंट फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, नॉट रेलेवेंट फॉर ओल्ड। व्हाई? बिकॉज अंडर ओल्ड सिलेबस यू आर हैविंग ओनली डिफरेंसेस एप्लीकेबल, सिंपल थ्योरी को एप्लीकेशन, दीज आर नॉट इन रिलेशन टू सिंपल थ्योरी। बात समझ आएगी? नहीं, ये इतने अंदर जाके कि यार उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, कैसा क्या करेंगे, वो चीजें आप में नहीं है, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आई पर्सनली फील कि मैंने इसीलिए, मुझे लगा कि ये चीज आपके लिए नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने काट दिए, ताकि टू मेक इट सिंपल यार, मतलब अपन कम से कम एक सिंपलिसिटी मेंटेन करें इस 6 शीट को पढ़ के जाए, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूं, इफ यू फील लाइक कि यू वॉन्ट टू डू दिस, सो I am giving you opportunity, आप पढ़ो, आपको मुझसे कोई डाउट हो आप मुझसे डाउट पूछो। बट यार इतना सब कुछ मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये न्यू सिलेबस में सारे के चार चेंजेस, ये आपकी ओल्ड सिलेबस की है बेटा। अरे मैं ऊपर दिखा देता हूं यार, कहां लिखा है? हाँ टैप पे, वोटर टैप पे, तो मैंने ही फाइल का नाम लिखा है ना, ये हो सकता है झूठ में लिखा हो। हाँ ओल्ड लिखा है ना, उसमें भी यही है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? अच्छा तो इतने सारे अमेंडमेंट्स ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो सर हमारे लिए रेलेवेंट क्या है सर? फिर INDAS टू इन्वेंट्री, जो मैंने सामने स्क्रीन पे खोला हुआ है इन्वेंट्री, आपको मैंने शीट दिया हुआ है, आप तो शीट से पढ़ो, छोड़ो इसको, शीट से पढ़ो क्या लिखा है। INDAS टू इन्वेंट्रीज, पहले आप ना रिमार्क्स पढ़ लो पहले। अर्लियर इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर विच एंटिटी हैज नॉट येट रिकग्नाइज्ड द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन डिलीटेड। पहले क्या होता था कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, INDAS 2 की बात कर रहा हूं मैं, AS की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो समझो, जो AS है ना,
एएस सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री को शामिल मतलब अपने एएस में लेता ही नहीं, स्कोप में ही नहीं लेता, और इंडेस टू जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री को स्कोप में लेता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए इन्वेंट्री होगी, बात समझ में आएगी नहीं, उसको स्कोप में लेता है। तो उसकी सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री में क्या क्या आता था, इन्वेंट्री इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर विच एंटिटी हैज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। सुनना ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तुम लोगों की तुम्हारी एक कंपनी है, तुम्हारी कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया एज अ कंसल्टेंट, ठीक है ना, 2 साल तुम्हारी कंपनी में मुझे कंसल्टेंसी देनी है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। मैं इंजीनियर हूं तुम्हारी कंपनी को लेकर, मुझे 2 साल तक कंसल्टेंसी देनी है। मेरी बात को समझो, समझ रहे हो कि नहीं। मैं भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी हूं, मैं भी अपने आप में एंटिटी हूं जिसके ऊपर इंडेस लगता है, ठीक है ना बेटा। एक कंपनी को क्या हुआ, जल्दी बोलो, एक कंपनी को क्या मिला, कंसल्टेंसी का काम मिला। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, बोलो बच्चों क्या हुआ, मैं खर्चा करता गया, मैंने अपने आर्टिकल्स लगाना शुरू किए, मैंने अपने असिस्टेंट्स लगाना शुरू किए, मैं खर्चा करता गया, मैंने 50 लाख का खर्चा कर दिया। अभी तक उस 50 लाख के खर्चे के लिए मैंने अभी तक बिलिंग नहीं किए, तुम लोगों को बिलिंग नहीं किए, और मुझे अभी तक रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ। इंडेस टू बोलता है कि इस 50 लाख के खर्चे को इन्वेंट्री मान ले, वर्क इन प्रोग्रेस मान ले, आया समझ में कि नहीं, क्या मान ले, वर्क इन प्रोग्रेस मान ले, तुम्हारा ये इन्वेंटरी का पार्ट हो जाएगा। पर अगर तुम इसकी बिलिंग कर चुके होते तो तुम्हारा ये इन्वेंटरी नहीं माना जाता था। तो तुम्हारे इन्वेंटरी में क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, जो मैंने सर्विसेज दी उसकी कॉस्ट आएगी, ऐसा इंडेस 2 में लिखा होता था। नाउ इट हैज बीन डिलीटेड। अब इंडेस 115 के आने के कारण क्या हो गया, इंडेस 115 के आने के कारण क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cost of services by the service provider that does not give rise to inventories will need to be accounted for as cost incurred to fulfill the contract and with the customer, such cost can be capitalized। अभी अपने थोड़ी देर पहले इंडेस 115 पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो हो रही है उसको कैपिटलाइज करोगे, बोलो बेटा, और उसको डिफरेंट अमोर्टाइज करोगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर दैट डज नॉट गिव राइज टू इन्वेंटरीज विल नीड टू बी अकाउंटेड फॉर एज कॉस्ट इनकर्ड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इन अकॉर्डिंग विद इंडियस 115। सच कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज अंडर इंडियस 115 इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इनहांसेज द एंटिटीज परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। अरे कुल मिला के सिंपली बात है, अब कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो है ना तुम्हारी, उसको क्या कर लोगे, उसको कैपिटलाइज कर लोगे, डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज कर लोगे, मतलब तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में वो कॉस्ट जो तुम्हारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती थी टू अचीव द कॉन्ट्रैक्ट, उसको तुम इन्वेंट्री का पार्ट शामिल नहीं करोगे, उसको तुम अलग से कैपिटलाइज करके रेफर एंड अमोर्टाइज करोगे। समझ में आई बात की नहीं, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट अलग से कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया कि नहीं गाइस, क्लियर हुआ कि नहीं, कौन सी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में बहुत सारी कॉस्ट आती थी पहले। जैसे मान लीजिए मुझे तुमसे तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गेन करने के लिए मैंने कॉस्ट किया कुछ, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब मैं अपनी सर्विस की कॉस्ट करता जा रहा हूं, तो इसमें तो बहुत सारी कॉस्ट है, पर मुझे सिर्फ कौन सी वाली कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू गेन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको अब मुझे इंडेस 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंटरी का पार्ट शामिल नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अचीव्ड यू आर गिविंग योर सर्विसेज प्रॉपरली, उसमें जो भी कॉस्ट हो रही है वो आपकी इन्वेंटरी में जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट की नहीं, ठीक है बेटा। तो वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को गेन करने के लिए हुई, अब वो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का पार्ट मतलब इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलग से कैपिटलाइज होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलो गाइस क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिए एक बार जल्दी।
हाँ गाइस पढ़ लिया, पढ़ लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, शीट में क्या है, क्या है शीट में नेक्स्ट? 109, इससे रिलेटेड चीजें अपन देखेंगे क्या है। द करंट 109 स्टैंडर्ड, 109 में खोल देता हूं उसको, ये द करंट इन डी एस 109 स्टेट्स दैट एंटिटी शैल मेजर द ट्रेड रिसीवेबल्स एट देयर ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, क्या आप ये मानते हो कि डेटर्स आपके फाइनेंशियल असेट होते हैं? होते हैं। डेटर्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो? ट्रांजैक्शन प्राइस पे। फाइनेंशियल असेट को किस पे रिकॉर्ड करते हो? फाइनेंशियल असेट को किस पर रिकॉर्ड करते हो? तीन चीजें, एएमसी, एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई। अगर वो एएमसी वाला है तो क्या किस पे रिकॉर्ड करते हो? प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है ना। पर अगर तुम्हारे डेटर्स ही अगर शॉर्टर देन 12 मंथ्स है तो तुम्हारा वही प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। अब क्या लिखा है? द करंट इन डी एस 109 स्टेट्स दैट एंटिटी शैल मेजर द ट्रेड रिसीवेबल एट देयर ट्रांजैक्शन प्राइस। Due to notification of Ind AS 115, entity is required to measure trade receivable at their transaction price if the trade receivable do not contain a significant finance component. ये significant finance component मतलब वही, अगर तुम्हारे trade receivable में वही interest शामिल है, finance शामिल है, वही बेटा cash price equivalent. अगर तुम्हारे trade receivable में कोई finance component शामिल है, that means even अगर तुमने 4 महीने के लिए भी सामने वाले को credit पे दिया है, हाँ? और तुम यूजुअली क्रेडिट पे नहीं देते हो 4 महीने के लिए, तुम यूजुअली 1 मंथ क्रेडिट पे देते हो, तो तुमने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पार्ट लिया होगा। वो एक्स्ट्रा पार्ट तुम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब अपने सेल में बुक, अपने रेवेन्यू में बुक डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलूं, ट्रेड रिसीवेबल में तुमने नॉर्मली कैसे रिकॉर्ड करते थे इंडियस 109 के अकॉर्डिंग? ट्रांजेक्शन प्राइस, वॉट एवर द प्राइस इज, द ट्रांजेक्शन प्राइस इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड इज द प्रेजेंट वैल्यू in case of trade receivable. But now since Ind AS 115 is there, Ind AS 115 says even though it is your short term contract, short term receivables, you have to check whether any financial component is included in that trade receivable or not. If it is included, that means 110 rupees wali cheez tumne 112 rupees mein bechi hai, to 2 rupees ka tumhara kya hai finance component? Tum aaj revenue book karoge sirf 110 rupees. Jo 2 rupees hai wo tum ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मतलब जैसे जैसे होता जाएगा तब बुक करोगे, मतलब जब तुम्हारे वो क्रेडिट पीरियड खत्म होगा। समझ में आई बात की नहीं? अरे वही हो गया ना, फाइनेंस का अमाउंट अलग से रिकॉर्ड करेंगे, दैट मींस वो वही हो गया ना, अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस इन टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, है ना। और आपको उसमें से एक पोर्शन अभी के अभी रिकॉर्ड करना है, बाकी एक पोर्शन आपको बाद में रिकॉर्ड करना है, ऐसा वो आपकी अलग से सेपरेट इनकम दिखेगी, सेल्स में जाएगी। और सबके करंटली अभी सेल में कितना जाएगा फाइनेंस कंपोनेंट हटा के, मतलब 110, ठीक है बेटा। दिस वाज इन डेस 109 वाला बिकॉज ऑफ 115, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। अरे मैं आपको ये पॉइंट ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट करवाया कि नहीं करवाया? बोलो हाँ, हाँ बोलो ना, हाँ। शेयर बेस पेमेंट में मैंने आपको याद करवाया था कि कैश सेटल्ड होते हो और इक्विटी सेटल्ड होते हैं, करवाया था कि नहीं? ठीक है, करवाया था। अब आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो बाद में मॉडिफिकेशन हो जाता है, अगर तुमने ऑप्शन दिया है कैश मतलब इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऑप्शन भी दो प्रकार से हो सकता है, काउंटर पार्टी के पास, याद है, कुछ याद आ रहा है? काउंटर पार्टी के पास ऑप्शन है या फिर एंटिटी के पास ऑप्शन है? हाँ, एंटिटी के इसमें अपन एक ही बनाते हैं। अब उसी को पकड़ो एंटिटी के, उसमें तुम एक ही बनाते हो। एंटिटी को पहले से ही एस्टिमेट करना पड़ता है कि ये कैश सेटल्ड है कि ये इक्विटी सेटल्ड है। अगर तुमने पहले से ही कैश सेटल बना लिया था, सुनो ना, तुमने पहले से ही कैश सेटल मान लिया तो तुम हर साल उसको लायबिलिटी की तरह बुक करोगे। पर मान लो आगे चल के तुम्हारा इरादा बदल गया और तुम बोलो नहीं 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 अब तो इक्विटी सेटलमेंट, तो क्या करते थे? लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज करते थे। बोलो बेटा, लाइब्रेरी को डीरिकॉग्नाइज करते थे और इक्विटी बुक करते थे। और पीएनएल अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस वगैरह कहां जाता था? लाइब्रेरी को रिवर्स करते थे और इक्विटी बुक करते थे और अपन पीएनएल बुक करते थे, क्योंकि लाइब्रेरी तुम्हारी रिवर्स होती थी तो तुम्हारा पीएनएल में जाता था, याद आ रहा है कि नहीं?
अब याद तो आना चाहिए यार, अगर नहीं आ रहा तो जाके घर पे देख लेना, मैंने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है? इस यही यही पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके अब ओल्ड सिलेबस में भी आ गई, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट अब आपके ओल्ड सिलेबस में भी है, तो ये पॉइंट कवर हो गई। अभी पढ़ो आपके पॉइंट में इसमें क्या है, देखो क्या लिखा है। पहले पहले टॉपिक नेम आप पढ़ो, टॉपिक नेम क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है, फ्रॉम कैश सेटल टू मॉडिफाई कर लिया, क्या करोगे आयो बेटा देखे। पहला रिकॉग्नाइज द इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड एट फेयर वैल्यू एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। आज मॉडिफिकेशन डेट पे जो फेयर वैल्यू है, वैसे बेटा आपको मैंने आपको बताया था कि इक्विटी सेटल में हमेशा हम फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की लेते हैं, पर अब क्योंकि तुमने इसको नया नया इक्विटी बनाया है, तो तुम इक्विटी किस दिन के हिसाब से बनाओगे, मॉडिफिकेशन डेट के हिसाब से लोगे, ग्रांट डेट का नहीं। तो लिख लेना नॉट अ ग्रांट डेट, नॉट अ ग्रांट डेट। बोलो बच्चों, अच्छा तुम्हारा वो कैश सेटल्ड हुआ करता था, पर अब वो तुम्हारा इक्विटी सेटल हो गया, तो तुम क्या करोगे, कैश सेटल वाली जो लाइब्रेरी है उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे कि नहीं, चेक करो क्या लिखा है। द लाइब्रेरी फॉर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एज एट द मॉडिफिकेशन डेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। अरे बोलो बच्चा आगे क्या लिखा है। अच्छा तुमने लाइब्रेरी डी रिकॉग्नाइज कर ली, तुमने इक्विटी को बुक कर लिया फेयर वैल्यू पे, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां डालोगे, पीएनएल में। बोलो बेटा एनी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइब्रेरी डी रिकॉग्नाइज एंड द अमाउंट ऑफ इक्विटी रिकॉग्नाइज ऑन द मॉडिफिकेशन डेट इज रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा मैंने आपको ये चीज करवाई हुई है आपको शेयर बेस पेमेंट में, हाँ तो ये एक छोटा सा पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलो बच्चों हमने क्या क्या एक बार कवर कर लिया, फिर से एक बार देखें आरटीपी के अमेंडमेंट्स आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिवीजन वन के दो अमेंडमेंट छोटे छोटे, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा अपने क्या पढ़ा, इंड एस 20, एएस 12 भूल जाओ, इंड एस 20 वहां बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने काइंड में नॉन काइंड में क्या, काइंड में उन्होंने क्या दे दिया आपको, नॉमिनल वैल्यू का ऑप्शन दे दिया, और दूसरा अगर आपको कोई असेट के अगेंस्ट ग्रांट मिल रही है तो डिडक्शन अगेंस्ट असेट आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या, इन्वेंट्री, इंड एस टू इन्वेंट्री क्या हो गया, पहले इंड एस टू इन्वेंट्री के इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर भी आती थी और उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती थी, अब वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस सर्विस फॉर इन्वेंट्री में नहीं आएगी, वो अलग से कैपिटलाइज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या पढ़ा था अपन ने, ट्रेड रिसीवेबल्स को पहले वैसे अपन ट्रांजेक्शन प्राइस पे करते थे, अब ट्रांजेक्शन प्राइस एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉम्पोनेंट बेटर, ठीक है ना। और लास्ट क्या, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या करोगे, जब कैश सेटल्ड से इक्विटी सेटल्ड में जा रहे हैं तो डिफरेंस पीएनएल में ले जाएंगे, फेयर वैल्यू तुम्हें मॉडिफिकेशन डेट की लेनी है इक्विटी वाले की, और लाइबिलिटी तुम्हें डीरिकॉग्नाइज करनी है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में ले जाना है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इंडेक्स 115, इंडेक्स 115 के फाइव स्टेप मॉडल बोलो, सीपीटीएआर, हाँ क्या होगा, पहला सी आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, दूसरा आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उसके बाद तीसरा रिकॉग्नाइज डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस, टी डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस, चौथा अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस इन वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उसके बाद रिकॉग्नाइज रेवेन्यू रेवेन्यू इफ इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड और एज एंड व्हेन द सर्विस आर परफॉर्म्ड ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर परफॉर्म्ड। आई बस समझ में कि नहीं, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को क्या करोगे, कैपिटलाइज अगर वो रिकवरेबल है तो। बोलो बच्चों और क्या पढ़ा था अपन ने, कार्व आउट, कार्व आउट क्या पढ़ा था अपन ने, IFRS में सारी की सारी पेनल्टीज विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू से एडजस्ट होती है, वेरिएबल कंसिडरेशन का पार्ट होता है, जबकि इंड एस में अगर सिर्फ इनहेरेंट होंगी तो ही वेरिएबल कंसिडरेशन का पार्ट बनेगी, अदरवाइज वेरिएबल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ जी, बस अब आगे चलते हैं अपन शेड्यूल 3 पे। ओके, अगर एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो यू कैन से समथिंग अराउंड 2 से 3 मार्क्स का डिडक्शन हो सकता है, 2 से 3 मार्क्स का।
यस कंसोलिडेशन अमेलगमेशन वगैरह अगर, बट इट्स नॉट अ बिग डील कि अपन बैलेंस शीट ऐसा. तो देखो सिंपली सबसे पहले ना, सबसे पहले इंसान को ना अपने क्षमताएं पहचाननी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. मैं तो कर सकता हूँ, पहली बात तो मैं तो कर सकता हूँ. पहले तो अपने को आपको ये बोलना चाहिए कि यार मैं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं. जब तक आपके मन में रहेगा कि मेरे यार मैं कंसोलिडेशन करके तो आऊंगा, वो कॉर्पोरेट रिसेशन करके तो आऊंगा, बट बैलेंस शीट में फॉर्मेट नहीं, क्यों नहीं बना पाएगा फॉर्मेट बनाना. और क्यों ना वो आज से ही करना शुरू करे. आज से ही करना शुरू करे मतलब जिस दिन तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोई टेंशन नहीं है, पर तुम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में से 2 क्वेश्चन की जब बैलेंस शीट बनाओगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को फॉर्मेट वाइज लिखो. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस इन दिस बूस्टर बैच कि मैं फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग के हिसाब से चलूं, एंड वो पॉसिबल हो भी नहीं पाता. बट इट्स योर टोटली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड कीप इन माइंड दैट फॉर्मेट इज ऑल्सो रेलिवेंट, और आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. अब करना क्या है यार, गिनती के 4 से 5 आपके अलग से नोट्स बनेंगे. आपको बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट याद रखना है, और आपके 4 से 5 अलग से रिमेनिंग नोट्स बनेंगे. जो मेन मेन नोट्स बनते हैं वो बनते हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस का, एक मेन बनता है, एक आपका पीपीई का बनता है, रिजर्व एंड सरप्लस का बनता है, एक पीपीई का बनता है. ये मैंने बड़े बड़े बनते हैं मेन. एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बन जाएगा तो बन जाएगा मेन, ठीक है ना. इसके अलावा जो रिमेनिंग बनेंगे अगर, उनमें तो इक्का दुक्का प्लस माइनस वाली चीजें आती हैं. तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप करके नहीं आ सकते हो, आप करके आ सकते हो, बट आपके मन में बैठा हुआ है कि टाइम लगता है ना सर, सर टाइम लगता है. बात ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, सर मुझे आता है पर टाइम लगता है. अरे तो टाइम लगता है तो उस टाइम को कैसे कम करें, क्यों ना उसको तुम पहली बार ही अगर एग्जाम में जाके उसको अटेम्प्ट करोगे तो टाइम तो लगेगा, और अगर तुम पहले से ही उसको क्वेश्चन में सॉल्व करके करके कर रहे हो तो धीरे 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 थोड़ा सा टाइम तो रिड्यूस होगा ना. वो सीधी बात है, अगर टाइम वहां पर लग रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं शेड्यूल बनाने में. ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा खा लेगा, वो 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं खा लेगा, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा खा लेगा. तो 5 मिनट के बेटा 3 4 मार्क्स भी तो होते हैं, है ना. तो आपको बस इसीलिए शेड्यूल 3 अभी डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, कम से कम शेड्यूल 3 माइंड में रहे, शेड्यूल 3 माइंड में रहे. मोस्टली मैं ये शेड्यूल 3 की जो क्लासेस वाला जो शेड्यूल 3 होता है वो जो फॉर्मेट होता है मोस्टली मैं फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों के साथ, पर अपनी रेगुलर बैच में अपन इसको सबसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, और आपके केस में है एप्लीकेबल डिवीजन 1. डिवीजन 1 मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. सर ये 2006 क्या है? कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो डिवीजन 1 इज बेस्ड ऑन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, ठीक है. शेड्यूल 3 को कैसे डिवाइड किया गया है? शेड्यूल 3 को डिवाइड किया गया है अलग अलग फॉर्म में. सबसे पहले शेड्यूल 3 में बताया जाता है कि भाई जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आपको बहुत सारे इसमें आपको बताया जाएगा भाई लाइन आइटम्स कौन से होते हैं, नोट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, डिसएग्रीगेशन करना है कि नहीं करना है, वगैरह वगैरह. आपको इसमें मेन ध्यान क्या रखना है इस पॉइंट का, टर्नओवर का क्या मेन ध्यान रखना है बताइए. टेल मी क्या लिखा है? टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ रुपीज. अगर आपका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ रुपीज होगा तो आपको राउंडिंग ऑफ कर सकते हो आप कितने में, नियरेस्ट 100,000 लैक्स मिलियंस और डेसिमल्स. सर व्हाट इज दिस? जब तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे के सारे अमाउंट्स रुपीज इन 100 भी लिख सकते हो, रुपीज इन सामने देखो बेटा, बेटा मेरी बात सामने देखो, रुपीज इन 100 भी लिख सकते हो, रुपीज इन 1000 भी लिख सकते हो, रुपीज इन लैक्स भी लिख सकते हो, बोलो बच्चों, रुपीज मिलियंस में भी लिख सकते हो, और डेसिमल्स देयर ऑफ, ठीक है. जब तुम्हारा टर्नओवर क्या होगा, लेस देन 100 करोड़, और अगर 100 करोड़ तो या उससे ऊपर होगा तो तुम हंड्रेड्स में नहीं लिख सकते हो, तुम शुरुआती कहां से करोगे, लैक्स में. बोलो बेटा, तुम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स नहीं लिख सकते हो, तुम शुरुआत कहां से करोगे,
लैक से। तो राउंडिंग ऑफ की शुरुआत 100 से कब होगी? जब टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, और अगर एग्जैक्ट 100 करोड़ भी है या उससे ऊपर भी है तो टर्न राउंडिंग ऑफ की शुरुआत कहां से होगी? लैक्स, लैक्स के बाद मिलियंस और क्रोस। हाँ हाँ, उसके बाद जो अपन ऊपर ही लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन क्रोर्स वगैरह ऐसा। ठीक है बेटा, जिस कंपनी को पूरी फिगर लिखनी है वो कर सकता है, पर पूरी फिगर अगर सबसे जो बड़ी कंपनीज हुई, हाँ उनके फिगर वाकई में इतने जीरो जीरो जा रहे हैं, तो पहले तो सामने वाला शेयर होल्डर तो गिनेगा पहले, 1 2 3 4 5 6, अच्छा फिर वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेगा है ना। वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड, इट शैल यूज्ड यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको वैसा का वैसा ही यूनिफॉर्मली मेजर करना है, ऐसा नहीं कि एक साल में आप इन हंड्रेड्स दिखा रहे हो तो अगले साल आप रुपीज इन लैक्स दिखा रहे हो भाई एक साल में आपने हंड्रेड्स दिखा रहे हो तो अगले साल में आपको रुपीज इन हंड्रेड्स दिखाओ। अच्छा सर, एग्जाम में क्या करके आना है? एग्जाम में जैसा क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया हुआ है वैसा हमें करके आना है। क्वेश्चन में जो उन्होंने बैलेंस शीट में दिया है रुपीज इन लैक्स दिया है तो हमें रुपीज इन लैक्स, उन्होंने एक्यूरेट एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा है, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं किया है, तो हमें भी वैसा का वैसा ही करके आना है। ठीक है ना, तो जो बैलेंस शीट पीएनएल से पहले के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ आपके लिए राउंडिंग ऑफ वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट टू डू अबाउट बैलेंस शीट? सर मेन तो बैलेंस शीट है, देखो यहां पर राउंडिंग ऑफ का बोला भी है, रुपीज इन डैश डैश डैश, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज इट, ये सब आ जाएगा। कितने कॉलम है? मेन कॉलम है आपके पांच, एक तो आपका सीरियल नंबर, एक पर्टिकुलर्स, एक नोट नंबर, एक करंट ईयर, एक कंपैरेटिव, करंट और कंपैरेटिव। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चों क्लियर है कि नहीं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये क्या है? ये तो प्राइमरी हेडिंग है बैलेंस शीट की, जो जो तुम पहले वैसा बनाते थे तो यहां पर तुम क्या बोलते थे? लाइबिलिटीज, और यहां क्या बोलते थे? असेट्स। तो अब ये लाइबिलिटीज के बदले क्या हेडिंग आ गई? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो प्राइमरी हेडिंग हो गई आपकी। इसमें मेन हेडिंग कौन सी है आपकी? शेयर होल्डर्स फंड, इसको बोलते हैं बेटा हेडिंग, और इनको बोलते हैं सब हेडिंग। क्या बोलते हैं इनको? सब हेडिंग। हेडिंग किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। और सब हेडिंग मतलब ये जो ए बी सी दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं सब हेडिंग। बताना शेयर होल्डर फंड में कितनी तीन चीजें आ रही हैं आपके सामने दिख रही होंगी, तीन चीजें आ रही हैं। कौन सी तीन चीजें? तीन सब हेडिंग आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब आपको ध्यान होगा हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले देखा था रिजर्व सरप्लस में एक अमेंडमेंट है। अरे ब्रेक से पहले तो देखा था, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम, ब्रेक से पहले तो देखा था ना। हाँ बोलो ना बेटा, ये है कि नहीं है? ये यहां पर लगा लेंगे अपन डबल स्टार की, इसको अपने को अमेंड कर दिया, इस पूरे को अमेंड नहीं किया। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितने हेड आते हैं उसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे अपन। ठीक है हाँ, अरे वही जय किशन को जैकी कर दिया अरे बोलो ना ओके। सेकंड सब हेडिंग क्या है शेयर होल्डर फंड की? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड बस ये वापस से चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? प्राइमरी हेडिंग। बस एक बार बोल दिया, उसको बार बार रिपीट नहीं करना। अब मेन होती है दो चीजें, एक हेडिंग और एक सब हेडिंग। हेडिंग कौन कौन सी है? हेडिंग सिर्फ पूरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में तीन हेडिंग है, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बस तीन हेडिंग। ऐसे करके याद करोगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में? बोलो बेटा,
तीन नहीं सॉरी चार, मैं गलती से तीन बोल दिया, चार शेयर होल्डर फंड भी तो है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी है, फिर से चार, कौन सी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, चार हेड, चार आपकी कौन सी है, क्या है हेडिंग मेरे सामने बोलना, चार हेडिंग कौन सी है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट। आप शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेडिंग है, तीन सब हेडिंग कौन सी है, नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, तीन सब हेडिंग नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बोलो बेटा। सेकंड हेडिंग कौन सी थी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, उसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। थर्ड हेडिंग कौन सी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें कितनी सब हेडिंग है, चार। एग्जाम्पल वाइज चलते हैं, सबसे पहली हेडिंग कौन सी है, सबसे पहली सब हेडिंग कौन सी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या लिखोगे इसमें, ऑल बोरोइंग्स विच आर इन लॉन्ग टर्म नेचर, जो आपकी बैंक से बोरोइंग होगी, आपके डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बोलो बच्चों। दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, क्या हो गया ये, AS 22। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म है दादा, शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा है, ये किसका हेड है, नॉन करंट है ना। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा बेटा, डिबेंचर भी आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया ना, डिबेंचर तभी बोरिंग है ना, कहां दिमाग चला रहे हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बोरिंग है ना, कहां जा रहे हो, तुम्हारे अगर लॉन्ग टर्म पेबल्स हैं कुछ, लोन से एडवांस और असेट्स, क्या दिमाग चला रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के पहले बोलो कि अपन क्या बोल रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस आर असेट्स, एंड इफ देयर आर लोन्स एज अ लायबिलिटी देन दीज आर बोरोइंग्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा, AS 15, प्रोविजन फॉर DBO, प्रोविजन फॉर DBO आएगा कि नहीं आएगा, यहां आएगा, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। इसके अलावा तुम्हारे लॉन्ग टर्म पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, वो तुम्हारे इधर आएंगे, क्या बोलते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। गाइस समझ में आवाज आ रही कि नहीं, लॉन्ग टर्म पेबल्स, और इधर AS 15 लिख देता हूं, समझ जाना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। कौन सी चार सब हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, DTL, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, चार। फिर से बोलना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लाइन से बोलना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, ऊपर नीचे करोगे नंबर कट जाएंगे, हाँ ठीक है, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, DTL, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। फिर से बोलना, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के प्राइमरी हेड में चार हेडिंग कौन सी है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट। शेयर एप्लीकेशन में एक कुछ भी नहीं आता, उसके बाद तीसरा नॉन करंट में, नॉन करंट में चार चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आया लास्ट, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में भी आएंगी तुम्हारे चार, कितनी आएंगी, चार करंट लाइबिलिटीज में भी आएगी तुम्हारे चार, अरे बोलो ना कौन सी चार, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अरे बेटा उधर क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इधर आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोलो ना बेटा। अच्छा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का यहां पर नीचे कुछ भी नहीं आएगा, फिर तीसरा उधर क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में पेबल्स थे, तो ये तुम्हारे ट्रेड पेबल्स। बेटा ट्रेड पेबल्स को दो हिस्सों में करके करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आउटस्टैंडिंग ड्यू टू माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, MSEs वगैरह है ना, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, और आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। देखो ये आपको फेस पे ही दिखाना है, मतलब ये नोट्स का पार्ट नहीं बनाना है, आपको ट्रेड पेबल्स के ही नीचे दिखाना है कि इसमें से माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को कितना देना है और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को कितना देना है,
अरे छोटी कंपनीज, स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, हर स्टेट में जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एक्ट वर्क करके हुआ होता है, आपके महाराष्ट्र में भी होगा, तो उसके अंडर रजिस्टर्ड है जो, सीधा सीधा आया समझ में कि नहीं, एमएसएमई एक्ट बोलते हैं उसको, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, एमएसएमई, ठीक है, एमपी में जो वर्ड यूज होता है वो एमएसएमई वर्ड यूज होता है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। अच्छा, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, चलो एक बार बोलो मेरे साथ, देख के बोलो चाहो तो, क्या है करंट लाइबिलिटीज में चार बातें कौन सी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा आपका वर्किंग कैपिटल लोन है ना, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो करंट वाला पोर्शन है, ठीक है ना, विद इन 12 मंथ वाला, दूसरा आपका आएगा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के दो सब हेड, पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, दो चीजें हुई, कौन सी दो चीजें हुई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड ट्रेड पेबल्स, तीसरा क्या, अदर करंट लाइबिलिटीज, और चौथा क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएंगे, सैलरी पेबल, जितने भी आपके एक्सपेंसेस पेबल होते हैं विद इन वन मंथ वाले, विद इन वन ईयर वाले, बोलो बेटा, चलो पूरी बैलेंस शीट का लाइब्रेरी वाला साइड, इक्विटी एंड लाइब्रेरी वाला साइड बोलते हैं, शुरू से टेल मी, चार, एक तो प्राइमरी हेड इक्विटी एंड लाइब्रेरीज, उसमें चार हेडिंग, कौन सी चार हेडिंग, शेयर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइब्रेरीज, करंट लाइब्रेरीज, शेयर फंड में तीन हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, नॉन करंट लाइबिलिटी में चार हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डीटीएल्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, करंट में चार बातें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सबसे नीचे आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स के दो हिस्से, पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंड अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, बोलो बेटा यहां तक समझ में आएगा कि नहीं, बिल्स पेबल आपका आएगा ट्रेड पेबल्स में, वो भी पेबल्स होते हैं, बिल्स पेबल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है, रुक जाओ, असेट नहीं अभी, ये रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जो आपका सब हेडिंग था, कौन कौन से रिजर्व आ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या है, ये क्या, ये तो जैकी है, हाँ ये जैकी हो गया ना ये तो, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अमेंडमेंट, बोलो बच्चों, हाँ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, और क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप, अरे ये क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ईसॉप, अदर रिजर्व्स अगर कोई स्पेसिफाई करना है तो, और सरप्लस ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया, बोलो ना बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर, अगर आपका सरप्लस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव भी दिख सकता है, ये जो सरप्लस है ये नेगेटिव भी दिख सकता है, बोलो ना बच्चों, अरे बोलो ना, ठीक है, अब आ जाओ असेट साइड, अपडेटेड फॉर्मेट आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, सीरियसली नहीं मिलेगा आपको, अपडेटेड फॉर्मेट नहीं मिलेगा आपको, आपको फॉर्मेट जो मिल रहा है उसमें आप दो चीजें चेंज कर दो खुद से, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आपको मिलेगा नहीं फिलहाल, तो आपको बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा, इवन इंस्टीट्यूट ने भी अपने उसमें पोर्टल पे नहीं डाला है, यू सिलेबस का है उसमें, मतलब किस में है ये, एक नहीं, किसकी, कौन सी वेबसाइट में है, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, उसमें सिलेबस में ही नहीं, आपको अंदर न्यू सिलेबस में मिलेगा शायद, हाँ ओल्ड सिलेबस में नहीं डाला है उन्होंने, तो उन्होंने डिवीजन वन है कि डिवीजन टू है, हाँ तो वो न्यू सिलेबस में डाला होगा, आपके ओल्ड में उन्होंने डाला ही नहीं, अपडेट ही नहीं किया है बेसिकली, ठीक है ना, आपके उसमें अपडेट ही नहीं किया है,
अरे फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, बेसिकली दो चीजें को चेंजेस है। हाँ न्यू सिलेबस में आपको जाओगे तो मिल जाएगा आपको उसमें। हाँ न्यू सिलेबस में मिल जाएगा, ओल्ड सिलेबस में उन्होंने डाला ही नहीं है, उन्होंने कहीं पर अपडेट ही नहीं किया है। ठीक है चलो नेक्स्ट। हाँ भाई ये कौन सी हेडिंग है? प्राइमरी हेडिंग। क्या बोल रहे हैं? ये प्राइमरी हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग ये। ठीक है प्राइमरी हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग तो भूल गए। चलो अब मेन आती है हेडिंग्स। हेडिंग्स है यहां पर दो, नॉन करंट और करंट, सिर्फ दो हेडिंग नॉन करंट और नॉन करंट। में पहली सब हेडिंग क्या है? इसको काटना और इसके बदले क्या आ जाएगा? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दो हेडिंग कौन सी है? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में अब चलो बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है? सब हेडिंग मतलब पीपी। पीपीई में भी क्या क्या दिया हुआ है? आइटम्स, सब सब हेडिंग के आइटम्स कौन से? टेंजिबल मतलब AS10, इनटेंजिबल मतलब AS26, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस AS10, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट AS26। ठीक है बच्चों, हाँ पर यहां वो अंडरस्टूड है कि वो टेंजिबल के लिए है, वो अंडरस्टूड है कि वो टेंजिबल असेट्स के लिए है। ठीक है नीचे अपन इंटेंजिबल अलग से दिख रहे हैं वो उसको, और उसके अंदर वो आइटम अंदर है, डोंट वरी। हाँ चलेगा वो चलेगा। ठीक है शुरू से चलो, क्या पढ़ रहे हैं पहले अपन? नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में सबसे पहला आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? अच्छा और क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स डेफर टैक्स असेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका AS13। ठीक है ये AS22 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये क्या होते हैं? क्या आएंगे लोन्स एंड एडवांसेस? हमने जो लोन्स दिए हैं लॉन्ग टर्म नेचर के। ठीक है ये हमारे AS13 में भी आ सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हो इसमें। ठीक है उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। अगर जो इन तीन हेडिंग में नहीं आएगा वो अदर्स में जाएगा। चलिए बोलो मेरे साथ साथ क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो आइटम्स है वो भूल जाओ, छोड़ो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेन हेडिंग। दूसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स के असेट के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस के बाद अदर नॉन करंट असेट्स। फिर से बोलो मेरे साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट, अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? उधर क्या था? पीपी के बाद उधर क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना बेटा क्लियर है कि नहीं? उसके बाद उधर क्या था? डेफर्ड टैक्स, उधर डेफर्ड टैक्स, इधर डेफर्ड टैक्स, शॉर्ट टर्म होगा ही नहीं। उधर क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहां इसका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आ जाएगा यहां पर? ट्रेड रिसीवेबल्स। बोलो बेटा, तो इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा इन्वेंट्री को भी आपको तीन कैटेगरीज में दिखाना पड़ेगा, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल। ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे, अभी आएगा रुक जाओ।
ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट। फिर से बात करते हैं करंट, पहले पहले असेट वाला साइड पूरा शुरू से चलते हैं। असेट वाले साइड में क्या है? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में क्या क्या है? पीपीई। पीपीई के अंदर क्या है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब वापस से आ जाओ मेन हेडिंग पे, मेन सब हेडिंग पे क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डीटीए, डीटीए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। अच्छा करंट में क्या क्या आएगा देखना मत, करंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट उधर था नॉन करंट, तो इधर करंट इन्वेस्टमेंट डीटीए का हो नहीं सकता। इन्वेंट्री, उसका ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यही था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। ठीक है बेटा, चलो एक बार पूरी बैलेंस शीट बोलते हैं, एक बार पूरी बैलेंस शीट बोलते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और नीचे असेट्स, ये दो प्राइमरी। अच्छा इक्विटी लाइबिलिटीज के नीचे चार हेडिंग, कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, इधर 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 शेयर कैपिटल, ऐसे ऐसे मत देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डीटीएल, ठीक है ना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लाइन से बोलना है, मार्क्स नहीं तो नहीं मिलेंगे आपको, जैसा सीक्वेंस बनाया गया वैसा बोलना है। मेरी भी कोशिश होगी मैं भी लाइन से बोलूं, ठीक है। क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के दो हिस्से, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ट्रेड पेबल्स तक पहुंच गए, अब उसके बाद क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स हो गया, जल्दी बोलो, अदर करंट लाइबिलिटीज आएगा पक्का, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देख लेते हैं भैया मैं भी भूल गया, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऑब्वियसली यार ये मतलब एक बार में इतना जल्दी तो याद होगा नहीं, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा असेट साइड में चलते, चलो नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में पहला पीपीई, पीपीई के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स डीटीए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट में क्या क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। रुक जाओ एक मिनट, जब तुम पीपी दिखाओगे तो तुम्हें क्लासिफिकेशन वाइज दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? ये क्लासिफिकेशन तो AS10 खुद ही बोलता है ना, आपको क्लासिफिकेशन वाइज भी रिवोल्यूशन करना पड़ता है, तो आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। इवन आप सब क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, बिल्डिंग में दो, फैक्ट्री बिल्डिंग्स और एडमिन बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, बोलो बेटा, ठीक है। असेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड, अगर लीज वाली असेट है तो उसका क्लासिफिकेशन आपका सेपरेटली दिखेगा, बोलो बच्चों, अरे बोलो ना। वैसे ही आपको इंटेंजिबल्स के भी सेपरेट क्लासिफिकेशन दिखाने पड़ेंगे, अरे बोलो यार। अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और अदर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। नहीं, अगर तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे बिजनेस में यूज हो रही है तो वो तुम्हारे पीपीई में आएगा, और अगर तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस में यूज नहीं हो रही है, तुमने लेके रख दी है जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसको तुम लिखोगे इसमें। आई बात समझ में? वैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा आपका, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब आ जाएंगे, पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। हाँ ट्रेड रिसीवेबल, ये वाला शैल बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड,
अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड एंड डाउटफुल, तीन कैटेगरीज में, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड एंड विच आर नॉट गुड। नॉट गुड मतलब चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, डाउटफुल। बोलो बच्चों, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रिलेवेंट हेड सेपरेटली। अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया है तो आपको अलग से उसमें दिखाना पड़ेगा। अरे पता है ये सारी चीजें कहाँ लिखोगे, ये सब नोट्स नोट्स में बनाओगे, ये सब नोट्स नोट्स में आएंगी, आपकी फेस पे नहीं आएगा। बोलो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, बैलेंस विथ बैंक्स, चेक्स ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, अगर आपका नहीं पहले चेक्स ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, फिर कैश ऑन हैंड और अदर्स। अदर्स क्या, जो आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपका हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज है जिनको आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बताया है। बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जिनकी मैच्योरिटी 12 महीने से ऊपर है, पर अगर आपने उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही रखा हुआ है, नहीं बेटा, जैसे मान लिया आपकी एफडी है, आपकी क्या है एफडी, आपकी एफडी 1.5 साल बाद मैच्योर होने वाली है, बट आपके पास अधिकार तो है ना आज ही उसको इन कैश करवाने का, तो वो है तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट क्योंकि वो 12 महीने से ऊपर की है तो आप उसको सेपरेट दिखाओगे। समझ में आएगी, नहीं सेपरेट मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एक सेपरेट हेड में दिखाओगे। अदर्स यहां पर अदर्स करके आपका जो स्पेसिफाइड नेचर लिखा है ना, यहां अलग दिखाओगे। समझ में आया, बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं। हाँ पीएनएल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आएगा वो, एक्चुअली जो आपका एफडी है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में की डेफिनेशन में आएगा। हाँ इवन दो इट इज, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखा देता हूं, इवन दो इट इज मैच्योरिंग बियॉन्ड 12 मंथ्स, आई डोंट थिंक सो कि इसमें उन्होंने अमेंड अभी की होगी, एक सेकंड रुक जाइए। कहाँ गया यार, ये रहा, ये तुम्हारी करंट असेट्स की डेफिनेशन है और इस चीज को ध्यान से पढ़ो। करंट असेट में क्या आता है, इट इज करंट असेट मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल द लायबिलिटी एट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसको मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर लेता हूं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दुनिया भर के सारे कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक डिपॉजिट्स आएंगे। एफडी एक बैंक डिपॉजिट होता है कि नहीं, होएगा ठीक है। वो कैश और कैश इक्विवेलेंट जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या किस चीज के रेस्ट्रिक्शन, कि तुम उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किस चीज की रेस्ट्रिक्शन, एक्सचेंज करने की रेस्ट्रिक्शन, या किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज करने की रेस्ट्रिक्शन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। अगर मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि मैं 2 साल तक वो एफडी यूज नहीं कर सकता, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने सरकारी टेंडर लिया, मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, मुझे एफडीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी, होता होगा ना, सुना होगा ना, गवर्नमेंट टेंडर्स लिए मैंने तो गवर्नमेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमसे क्या मांगती है, एफडीज। मैंने एफडी करवाई बैंक से और मैंने उसके मॉर्गेज रख दी वहां पर, बोलो ना बच्चों। अरे बोलो यार, ऐसे केस में आई कैन नॉट यूज दैट एफडी, मैं मैच्योर भी नहीं करवा सकता, क्यों, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जब तक मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा या तो ऑफिशियली मैं कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हट जाऊंगा तब तक मेरी एफडी रिलीज नहीं होगी। बट एक बात बताओ, अगर तुमने नॉर्मली अपने बैंक में एक एफडी रखी हुई है, भले वो 12 महीने से आगे की है, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं, एक एफडी है जो तुम्हारी 12 महीने से ऊपर की है, क्या तुम आज उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो क्या, हाँ तुम्हें किसी ने मना किया है कि तुम मत निकालो,
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा अगर तुम बैंक से पैसा निकाल लोगे बिफोर मैच्योरिटी, अगर तुम पैसा निकालोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा? कैश तो तेरे पास आ जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम तेरे को नुकसान क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं लगेगा और क्या, काय की फाइन, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप तो आजकल तो फाइन भी नहीं होती, बैंक कहां मांगती है फाइन वाइन? मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टेल मी वन थिंग यार, तेरे 2 साल की FDA पर अगर तेरे को आज पैसे की जरूरत है तू पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो इट इज हाईली लिक्विड ना, इट इज हाईली लिक्विड ना यार। हाँ भले वो तेरी 5 साल की है, अगर तेरे को आज कैश चाहिए तो तू निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? तेरे को क्या बैंक मना करेगा? नहीं देंगे। हाँ दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कैश कैश इक्विवेलेंट बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड। नाउ टेल मी, क्या इसके ऊपर कोई एक्सचेंज करने की या लाइब्रेरी सेटल करने की क्या तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तभी मैंने आपको बोला कि अगर तुम्हारी कोई FD है 12 महीने से ऊपर की है तो भी तुम उसको कैश इन कैश इक्विवेलेंट में दिखाओगे, पर उसको सेपरेटली दिखाओगे। ठीक है बेटा? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हम सबको पता है क्या क्या। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखते हैं बेटा? एक सेकंड सुन लो ध्यान से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में क्या, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आ गया? ओपनिंग प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, ये आ गया। तो सर नीचे परचेज एक और क्यों लिखी है? वो फिनिश गुड्स की लिखी है परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सो सर स्टॉक इन ट्रेड जो परचेज किया उसका ओपनिंग क्लोजिंग उसके जस्ट नीचे लिखा है चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब ये तीनों आपस में ध्यान से पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ोगे इस तीनों को? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। दूसरा क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस भी, चेंजेस इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आएगा? एक्सपेंस में बोला मैंने, एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आएगा? उसने बोला तो तूने भी रिपीट वही कर दिया। एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आती है क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। दूसरा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस AS 15, हाँ, एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बोलो बेटा। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बोलो, इंड AS 109, बोलो बच्चों। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन AS 10 एंड 26, बोलो बच्चों। अदर एक्सपेंसेस, अदर मतलब क्या? जो ऊपर के हेडिंग को छोड़कर जो भी आए। टोटल एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिर क्या लिखोगे? एक्सेप्शनल, ये प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स मतलब AS 5, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या आ गया? करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, और अगर मैट भी है तो विच एवर इज हायर, AS 22। फिर डेफर टैक्स, हाँ, टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये जो तुम्हारा आया ये क्या आया? देखो यहां तक तुमने निकाल लिया बिफोर टैक्स और प्रॉफिट वगैरह, अब तुम्हें दो हिस्सों में दिखाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एक प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बोलो बच्चा, डिसकंटिन्यूइंग में तुम्हें टैक्स एक्सपेंस भी अलग से दिखाना पड़ेगा। जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना उसमें तुम्हें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा दिखानी पड़ेगी, अपन लिख देते हैं। डिसकंटिन्यूइंग में, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी? एक तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दूसरा क्या? टैक्स एक्सपेंस, एक दो टैक्स एक्सपेंस। बोलो बच्चों, ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा दिखानी पड़ेंगी, प्रॉफिट लॉस और टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस मतलब वही करंट असेट्स और डेफर टैक्स इन रिलेशन टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट पर, ठीक है।
फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ये जो फॉर द पीरियड आ रहा है ये आपका कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग दोनों पर आ रहा है, और फिर आपका अर्निंग पर शेयर बेसिक प्लस डाइल्यूटेड, ठीक है? हाँ चलो एक बार बोलो साथ में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स टोटल हो गया, एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट वो आ जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स AS5, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स में ही आपका मैट का चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दो हिस्से करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गया, बोलो बेटा, अब आप फिर से दो कैटेगरीज करोगे, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसको दिखाओगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, ठीक है? फिर नीचे दिखाओगे टैक्स एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, ठीक है? और नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, और नीचे आएगा फिर अर्निंग्स पर शेयर, इसमें बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा AS20 के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम जो AS5 के अकॉर्डिंग होता है, क्या होता है डेफिनेशन? एनी इनकम और एनी एक्सपेंस विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी, जैसे नुकसान हो गया आपका, नुकसान हो गया अर्थ को एक नुकसान वगैरह, पर अगर आप बोलो कि सर कैश चोरी हो गया बिजनेस से, तो इट मे डिपेंड कि वो आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि नहीं है, क्योंकि कैश चोरी होना अगर मान लो आपके बिजनेस में एक है कि यार छोटा मोटा होता रहता है ऐसा, हाँ, तो फिर वो आपका ऑर्डिनरी में भी आ सकता है, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब एक्सेप्शनल में क्या आता है? एक्सेप्शनल में ऑर्डिनरी एक्टिविटी के ही आइटम आते हैं, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर दीज आर एक्सेप्शनल इन साइज माइट बी, जैसे तुम्हारे हर साल बैड डेट होते हैं लगभग 2-4% के, इस बार योर बैड डेट्स आर 8%, इट इज एक्सेप्शनली हायर, नहीं आया समझ में? तुम्हारी हर साल इनकम होती है कमीशन की, अदर इनकम तुम्हारी कमीशन या रॉयल्टी की होती है लगभग 10-12 लाख, इट इज दिस टाइम इट इज एक्सेप्शनली हायर या एक्सेप्शनली लोअर, ये तुम्हारे क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आइटम, तो लिख लेना एक्सेप्शनल आइटम एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही आइटम होता है, बट वो एक्सेप्शनली इन साइज और इन नेचर वो डिफरेंट है, समझ आया बात की नहीं? अच्छा जब तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाओगे तो तुम्हें दो कैटेगरीज दिखानी पड़ेगी, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, फिर तीसरा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लेस GST, ठीक है? और अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपको ना ये अलग अलग सब हेडिंग बनानी पड़ेंगी नोट्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस GST, ध्यान रखना, अदर इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है बेटा? चलिए बेटा यहां पर खत्म करें, गाइस टेल मी खत्म करें यहां पर, 2 मिनट प्लीज प्लीज, हाँ जी, उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है, मैं उसके बैलेंस शीट का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्यों एक्वायर करूंगा, मेरे लिए वो नेट असेट्स का पार्ट ही नहीं है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं क्यों एक्वायर करूंगा, उसका तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट दिख रहा होगा ना बेटा, अगर मैंने सब्सिडियरी को एक्वायर किया तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उसके रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा होगा, असेट में दिख भी रहा होगा तो वो उसकी गलत है, जो भी है मुझे क्या करना उससे, समझ आई बात? अगर मान लो ऐसे ही आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ रहा है अपनी कंपनी खुद की कंपनी का ही, तो AS26 के हिसाब से वो पूरा का पूरा पेंट में डाले गए, हमने AS26 पढ़ लिया, मैंने बताया भी था उसमें, AS26 के हिसाब से वो पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी, सर किधर उधर जाएगा वो? अदर एक्सपेंस में जाएगा, हाँ ठीक है बेटा, सो गाइज 1 मिनट, गिव मी
वन मिनट तो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट हो जाएगा। सर सर टेल मी एफआर को हम किस तरीके से कंपाइल करें। नाउ दिस इज वेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो एक्चुअली मेरी ड्यूटी है तुम लोगों को ये बताना। नाउ इफ पॉसिबल तो प्लीज फॉलो दिस, इफ पॉसिबल। एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो किसी भी बच्चे के लिए जरूरी नहीं होता कि वो 100% फॉलो कर सके, वो आपके सर्कमस्टांसेस, आप अच्छे से जानते हो कि आप किस सर्कमस्टांसेस में बैठे हो, खड़े हो, क्या कर रहे हो। बट फिर भी मैं जो ये बातें कर रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आपका सिंगल ग्रुप है या आपका डबल ग्रुप, दोनों ग्रुप है, आपका कोई भी ग्रुप है, आई जस्ट वॉन्ट अ जनरल गाइडेंस कि आपको एफआर किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, हम कहां खड़े हैं आज, हम आज खड़े हैं 19 फरवरी 2019 को। मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन बताता हूं, स्पेसिफिक गाइडलाइन अगर आपको चाहिए तो वो एक अलग सी चीज हो गई, वो तो सर मेरा फर्स्ट ग्रुप है, मेरे साथ ये चीजें हैं, ये चीजें, वो एक अलग चीज हो गई। जनरल गाइडलाइन आपको करना क्या चाहिए, आपका पहला एग्जाम है किस दिन, 2 तारीख को, 2 मई को है। ठीक है ना, अब अपन पीछे से चलते हैं, रिवर्स वर्किंग चलते हैं। 2 मई को अपना, 2 मई को अपना एग्जाम है, एफआर का एग्जाम है। ठीक है, अब हम एफआर के एग्जाम के लिए कितने दिन निकालने चाहिए हमें, सर एफआर के एग्जाम के लिए कितने दिन निकालने चाहिए। ऑब्वियसली 1 मई को हम पढ़ेंगे एफआर, मैं 2 तारीख को तो गिन ही नहीं रहा हूं कि जो सुबह सुबह का जो टाइम होगा अपने पास वो अपन नहीं गिन रहे। अपन के पास 1 तारीख होगी 1 मई, अपन के पास 30 अप्रैल होगा, और ये 1 मई होगा, 30 अप्रैल होगा, 29 अप्रैल होगा। बिलीव मी, आप 3 दिन की स्टडी से भी अपने पूरे एफआर को कवर अप कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम 6 दिन देंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम 5 दिन देंगे, ठीक है, इट्स अप टू देम। बट अगर आप 3 से 4 दिन भी देते हो, अच्छा ये 3 दिन देने के लिए कंडीशन है, आप 3 दिन दे सकते हो अगर आपने अभी से लेकर जब तक आपके एग्जाम है, अभी से लेकर जब तक आपके एग्जाम है, आपने मिनिमम 2 बार, 2 टाइम्स आपने टेस्ट दिया हो। क्या दिया हो, मॉक टेस्ट दिया हो। मॉक टेस्ट कोई भी आपको देना है, मॉक टेस्ट आप आईसीआई का मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, आईसीआई का मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, किसी प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप 2 टाइम मॉक टेस्ट दे चुके हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 दिन से ज्यादा एफआर को मत लीजिए, आपका 3 दिन में एफआर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन में आपको कैसे करना है, अभी मैं उस 3 दिन पे अभी आऊंगा, मैं अभी बात कर रहा हूं अभी से लेकर क्या करना है। गाइस, ये जो अपना आज आखिरी सेशन खत्म हुआ है, अपना आखिरी सेशन खत्म हो चुका है, अगर तुमने गैप रखा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है इवन उन बच्चों को भी जिन बच्चों ने बूस्टर देखा है पूरा, कि आज ही से लेकर, अपना खत्म हो गया, आज से लेकर विद इन सेवन डेज, बिलीव मी, विद इन 7 डेज ओनली एंड ओनली। सर मेरे बस की नहीं है, अरे तेरे बस की नहीं है तो भी विद इन 7 डेज। मैंने एक चीज आपको हमेशा बोली हुई है, बार बार बोलूंगा, अपनी कैपेबिलिटीज को के ऊपर शक मत करो। अगर तुम अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करोगे तो तुम अपने आप को पीछे कर रहे हो। अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक मत करो, क्योंकि अगर तुम कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करोगे, सीए बन जाओगे तो तुम छोटा पैकेज एक्सपेक्ट करोगे। तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, बात समझ में आ रही है नहीं। अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखो। यस, एंड दिस इज रियली अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट योर ओन कैपेसिटी। ठीक है, तो 7 डेज, 7 दिन में तुम्हें एफआर कंप्लीट करना है। कैसे, 7 दिन में तुम्हें एफआर कंप्लीट करना है। ठीक है, तुम्हें 7 दिन में कितने घंटे पढ़ने, 7 दिन में तुम्हें कितने घंटे पढ़ने। देखो मैं एक नींद का एवरेज 6 घंटे मान के चल रहा हूं। सर बहुत कम नहीं हो गए, नहीं हुए कम। अगर अभी हम नहीं सोए, अभी हम अगर कम सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी हमारे साथ 1-2 महीनों में। ठीक है ना, मैं आपको अपना बता दूं, मेरी नींद 5 घंटे की है सिर्फ, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माय स्लीप। किसी की नींद 8 घंटे होती है और वो सेटिस्फाइड होता है, बट मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी नींद 6 घंटे कर लो। 24 घंटे में से 6 घंटे की आपकी नींद गई, कितना बचा, 18 घंटे। ठीक है, आपका 2 घंटा गया खाना पीना,
और अदर घर की एक्टिविटीज करना, खाना पीना नहाना सब चीजें हटा दो, तो 6 और 2 8 घंटे आपके चले गए, कितने बचे 16 घंटे। उसके बावजूद आपके 2 घंटे और हटा दो, 2 घंटे और हटा दो। क्यों हटा दो? टाइम वेस्ट हो गया, दोस्त से ज्यादा बात कर ली, मजा नहीं आ रहा था तो दोस्त से पूछ लिया कि तेरा कितना हुआ है। जो ये एक्टिविटी हमें कम करते जानी है, जो एक्टिविटी मुझे कम करते जानी है, मेरे को कोशिश करनी है कि मैं ये सारी बातें किसी से भी डिस्कस नहीं करूं कि तेरा कितना हुआ है मेरा कितना हुआ है, क्योंकि हम मोस्टली ये बातें डिस्कस करते हैं कि हम अपने आप को सहानुभूति दे सके कि यार उसका भी नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं, चल ठीक है मैं अपनी सेफ पोजीशन में हूं। तेरा तेरे को उससे मतलब नहीं है भाई, वो पता नहीं क्या करके बैठा है क्या नहीं करके बैठा है, पहली बात। तो 2 घंटे उसके भी छोड़ दो, घर वालों ने तुम्हें कभी कोई काम दे दिया वगैरह। तो यू गाइज आर हैविंग 14 आवर्स स्टडी प्लान। आउट ऑफ सच 14 आवर्स स्टडी प्लान, बिलीव मी, इफ यू कैन टेक 10 आवर्स फॉर FR इन दीज 7 डेज, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 14 घंटे FR को दो, मैं तो कहता हूं कि 4 घंटे तुम अदर सब्जेक्ट को दो। अदर सब्जेक्ट भाई, अब तुम्हारे अदर सब्जेक्ट में MCQ आते हैं, तुम MCQ की प्रैक्टिस करो। अदर सब्जेक्ट में तुम्हारे जो भी आता है, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ो, बट 7 दिन फिलहाल 10 घंटे तुम FR करोगे। सर सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस वही होगा स्ट्रिक्टली जो सीक्वेंस हमने अपना बूस्टर बैच में रखा हुआ है। बूस्टर बैच का सीक्वेंस सबको पता है और उसका शेड्यूल भी मैं बना लूंगा, इशू कर दूंगा। इसका जो शेड्यूल होगा बूस्टर बैच का, जो शेड्यूल होगा 20 दिन के, मैंने क्या क्या पहले करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, और मैं ये यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं, तो मैं यूट्यूब पे भी इसको शेड्यूल को भी डाल दूंगा। तो आपको सीक्वेंस वही फॉलो करना है, सीक्वेंस ऑफ बूस्टर बैच। सर पर आपने तो 20 दिन में करवाया, हमें तो 7 दिन में करना है। बेटा मैंने 20 दिन में आपको 4 घंटे में करवाया, 3.5-4 घंटे में, आपको ये 7 डेज में 10 घंटे करने हैं। 70 आवर्स यू आर हैविंग, इन 70 घंटों में तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इन 70 घंटों में FR को उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको करवाया है। सर अगर 7 दिन में नहीं हो पाया, 8वां दिन मत बढ़ाना। सर अगर हमारा सिर्फ 60% हुआ, 70% हुआ, कोई बात नहीं, जैसे ही 7वां दिन कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज, आफ्टर सेवन डेज कुछ मत सोचना, एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना, बिना सोचे समझे एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना। अपने आप को चेक करो तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम कितना पानी में हो। 7 दिन बाद तुम FR को क्या करने वाले हो? एक टेस्ट देने वाले हो। पहला टेस्ट तुम्हारा इसी महीने हो जाना चाहिए। अगर तुम फरवरी की बात चल रही है, फरवरी में 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हारा इसी महीने मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए। बोलो बच्चों, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए जो मेरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसके हिसाब से आप अगर 7 डेज गिनोगे तो 7 डेज के जस्ट बाद आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। एक आपने टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट देना सिर्फ काफी नहीं होता है, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस काफी होता है, करना होता है। बोलो बेटा समझ में बता रही कि नहीं? फॉर द एनालिसिस पर्पस यू आर फ्री टू सेंड मी योर कॉपीज स्कैन करके, यू आर फ्री, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग ओनली। आपने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, कहां दिया, आपके वहां से पेपर चेक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे दिखाओ अपना FR का। क्या करो, मोबाइल से कैम स्कैनर से स्कैन कर लो और आप मुझे भेज दो, मुझे WhatsApp कर दो, ठीक है ना, मेरे WhatsApp नंबर पे डाल दो। सर प्लीज चेक कर लो, देख लो कैसा है, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन पेपर भी देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चेक कर पाऊंगा मैं, तो क्वेश्चन पेपर भी दे दो। मैं आपको एक ऊपरी एनालिसिस बता दूंगा, बेटा तेरे ना प्रेजेंटेशन में बेटा तेरी ये गड़बड़ी है, प्लीज तेरे को तू इसको सुधार ले। जो मैं आपको बताऊं वो चीजें आपको अप्लाई करनी है आपके सेकेंड टेस्ट में। सर हम सेकेंड टेस्ट कब दें? सेकेंड टेस्ट दोगे तुम अप्रैल में, किसी भी हाल में। सर सेकेंड टेस्ट देने के लिए हम कुछ पढ़े क्या? यस, सेकेंड टेस्ट देने के लिए तुम्हें 3 दिन FR को देने, 3 डेज। पहले कितने दिन दिए तुमने? 7 दिन। अब तुम्हें कितने देने? 3 दिन। 3 दिन देने, अगेन बोल रहा हूं, इन 3 दिनों में सिर्फ FR नहीं करना है अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट, पर तुम्हें 3 दिन ही देने हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं? देखो शुरुआत अगर अच्छी हुई ना तो ये 3 दिन तुम्हारे बेस्ट जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे 7 दिन अच्छे गए ना तो तुम्हारे 3 दिन
कमेंडेबल जाएंगे, तुम अपने आप से खुश होने लगोगे कि यार लिटरली मजा आ गया, हमने पहले बहुत अच्छे से किया हुआ था, अब हम 3 दिन में आराम से कर पा रहे हैं। इन 3 दिन में और इन 7 दिन में फर्क क्या है? इन 7 दिन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अगर आप करना चाहते हो तो प्रैक्टिस मैनुअल के, बट इन 3 दिन में कोशिश भी मत करना कि एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक उसका कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं है। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है जाने दो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो पूछ लो, नहीं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जितना भी ट्रायल एंड एरर करना है आप 7 डेज में कर लो। मैंने आपको जो बूस्टर बैच करवाया है, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, इफ यू वांट टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो मैंने आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के और क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन के टिक लगवा लिए थे, ठीक है ना? और सर एएस को कहां से करें? एएस को तुम करने के लिए तुम कम से कम पिछली 4-5 आरटीपी तो तुम्हें चाहिए रहेंगी, कंपाइलर चाहिए रहेंगे एएस के लिए। कभी कभार मैं बोल सकता हूं कि प्रैक्टिस मैनुअल इज नॉट इनफ। सर इंडियस 109 के लिए मेरे नोट्स आर टोटली इनफ, माय नोट्स आर टोटली इनफ। 40 क्वेश्चंस थे अपने नोट्स में, कितने क्वेश्चंस थे इंडियस 109 के? अपन ने कितने क्वेश्चंस किए? ज्यादा थे नहीं, 40 तो थे, मिनिमम 40 तो मैं मान के चल रहा हूं, 40 क्वेश्चंस तो थे। तो इंडियस 109 के 40 क्वेश्चंस तो वो कर लो, ठीक है? अच्छा, तो 3 डेज में यू जस्ट नीड टू रिवाइज द इंटायर थिंग। और इन 3 दिनों में तुम्हें क्या याद रखनी है बातें कि तुमने क्या गलतियां की थी पेपर नंबर 1, मतलब ऑनलाइन वो जो पहला जो आपने पेपर दिया था, क्या आपने छोड़ दिया था, क्या आपका छूट गया था। मान लो 7 दिन में आपका 80% पोर्शन होगा था, 20% नहीं, तो इन 3 दिनों में तुम पहले सबसे पहले 20% पोर्शन करोगे, तुम्हारा भले वो 80% छूट जाए फिर से, ठीक है ना? तो 3 दिन में तुम करोगे वो 20% पोर्शन जो छूटा। अगर मतलब 3 दिन में 20% नहीं करना है, 3 दिन में सबसे पहले स्टार्ट करना है 20% पोर्शन से। आई बात समझ में? सीक्वेंस में बार बार बोल रहा हूँ, सीक्वेंस वही होगा जैसा मैंने बूस्टर में करवाया है, ठीक है? 3 दिन में तुम एनालिसिस करोगे कि सर ने मुझे क्या गलतियां बताई थी, जो मैं अगला पेपर दूंगा या दूंगी तो मैं वो गलतियों को अब नहीं करूंगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये करके आप अप्रैल में कब दोगे वो तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। मैं मान सकता हूं कि मिड ऑफ अप्रैल में भी दे दो तो चलेगा, मिड ऑफ अप्रैल में दोगे तो सबसे बेस्ट है। 15 अप्रैल को एक फिर से टेस्ट दे दो, 15 अप्रैल को फिर से टेस्ट दे दो, अगेन मुझे दिखाओ, अगेन वो मुझे टेस्ट दिखाओ, ठीक है ना? अगेन मैं उसका एनालिसिस करता हूं एंड देन आई विल टेल यू द फाइनल वर्ड्स कि क्या हो सकता है। यहां तक आपका हो जाए कोशिश करके 15 अप्रैल तक आपको FR को खत्म करना है, बस 15 तक टेस्ट देके बस, क्योंकि 15 के बाद हम कितने दिन दे रहे हैं अलग से? 3 दिन। सर 3 दिन से ज्यादा दे सकते हैं क्या? सर कल को अगर सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई तो? हार्डली 1 दिन ज्यादा। देखो बेटा सब्जेक्ट सिर्फ मेरा ही थोड़ी है यार, मैं अगर सिर्फ अपने सब्जेक्ट को फोकस करके बोलूँ कि 6 दिन दे दो तो यार ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा फैकल्टी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपको ऑडिट को भी टाइम देना है, आपको लॉ को भी टाइम देना है, आपको SFM को भी टाइम देना है, आपको ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स भी अगर होंगे तो उसको भी टाइम देना है। तो मेरा ये मानना है कि 3 डेज आर इनफ, क्योंकि इन 3 दिनों में तो तुम यार वाकई में 14-15 घंटे पढ़ोगे ना, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और 14-15 घंटे इंटू 3 मतलब लगभग 40 आवर से ऊपर ही हो गए अपन, 40 घंटे से ज्यादा हो गए यार। अपन ने FR बूस्टर कंप्लीट कर लिया 80 घंटे में, तुम 7 दिन 70 घंटे में फिर से FR करोगे, फिर 3 दिन में 30 घंटे में फिर से FR करोगे, फिर तुम्हें 40 घंटे फिर से मिल रहे ना। तो ये कैलकुलेशन करके तुम 3 दिन दो। सर अगर फिर भी सर बच गया तो मेरे को डर लगेगा सर, मैं 1 दिन पहले उठा सकता हूं या सकती हूं? बेटा वो तब जब तूने अपने हिसाब से बाकी सब्जेक्ट्स को कंपाइल कर लिया है, बिकॉज अकेला FR नहीं है, FR के अलावा 3 सब्जेक्ट और भी हैं जो तेरे को एग्रीगेट में पास करवाएंगे, ठीक है ना? हर चीजों में पास को तेरे को उसमें भी करवाएंगे। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि 3 दिन से ज्यादा देने का नहीं है, ठीक है? सर इन 3 दिनों में कैसे करना है? सर इन 3 डेज में कैसे करना है? अब मैं इसमें बांट रहा हूं बच्चों को 2 कैटेगरीज में, भले मैंने कितना भी अच्छा पढ़ा लिया या बच्चे मुझसे पढ़े हुए चाहे नहीं पढ़े हुए, मैं इसमें बच्चों को 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। वो बच्चे जिन बच्चों को कंसोलिडेशन अच्छा लगता है, ठीक है, और वो बच्चे जिन बच्चों को कंसोलिडेशन छोड़ के जाना है या नहीं अच्छा लगता है, जिनमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे बच्चे जिनमें बच्चों को कंसोलिडेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसोलिडेशन को छोड़कर आप कुछ भी सीक्वेंस अप्लाई कर दो सब चलेगा। कंसोलिडेशन सबसे लास्ट में करना है आपको कंसोलिडेशन सबसे लास्ट में करना है। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ भाई ये बात?
मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों को कंसोलिडेशन से थोड़ा सा डर लगता है। तो कंसोलिडेशन को छोड़कर सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, बाकी सब चीजें। सर बाकी सब में सबसे पहले क्या कवर करना है, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये करने के बाद आप एएस कर लो, और एएस करने के बाद आप मिसलेनियस कर लो। पहले वैल्यूएशन कर लो, फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लो, फिर आप सारे एएस कर लो। बेटा सारे एएस करते टाइम ध्यान रखना क्या, एक तो ऑल एएस करोगे, एक इंड एएस से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है एप्लीकेबल, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि क्या क्या एप्लीकेबल है, आपको पता है ना क्या लिखना क्या है, अरे बोलो ना बेटा हा? और यहां पर सिंपल थ्योरी क्वेश्चन में अलग से लिख रहा हूं, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन ऑफ इंड एएस, इंड एएस के सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना। और मिसलेनियस में आपके क्या क्या आ जाएंगे, वैल्यू एडेड, ईवीए वगैरह वगैरह, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप करेंगे कंसोलिडेशन। सर वो बच्चे जिनका कंसोलिडेशन अच्छा है जो कर सकते हैं, वो लोग मिसलेनियस को लास्ट में करेंगे, वो लोग मिसलेनियस को लास्ट में करेंगे, और वो लोग बाकी पूरा सीक्वेंस वैसा ही अप्लाई करेंगे। जैसे वैल्यूएशन कर लो, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर दो, क्या होता है दो बड़े बड़े चैप्टर कर लिए ना, वैल्यूएशन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, फिर थोड़ा सा लगता है यार थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज कुछ हो, इसलिए हल्के फुल्के के लिए एएस। यार अपने सिचुएशन में समझो, तुम्हारे वो तीन दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे वो तीन दिन बहुत ज्यादा बर्डनाइज लगे, इसीलिए वैल्यूएशन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया अपने अच्छे से, फिर अपने एएस उठाना शुरू किया थोड़ा सा लाइट 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 लाइट, चलो ठीक है एएस चल रहा है, एएस चल रहा है, एएस चल रहा है, एएस खत्म कर दिया। एएस खत्म करने के बाद वापस से आ जाओ कंसोलिडेशन पर, फिर कंसोलिडेशन अच्छा सा एक पूरा लेवल कंप्लीट कर लिया, फिर अपन आ जाए मिसलेनियस पे। तो जिन बच्चों को कंसोलिडेशन में नहीं डर लगता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम है, तो कंसोलिडेशन सबसे लास्ट में करेंगे। सर पेपर वाले दिन क्या करना है, पेपर वाले दिन कसम खा के जाना कि जो मैंने आपको आरटीपी के अमेंडमेंट की शीट प्रोवाइड की है, आरटीपी की अमेंडेड शीट प्रोवाइड की है, वो आपको पेपर से 3 घंटे पहले देख के जानी है, 3 आवर्स बिफोर। क्या अमेंडमेंट्स 3 आवर्स बिफोर द एग्जाम, आपको एग्जाम से 3 घंटे पहले वो अमेंडमेंट शीट देख के जानी है, जो मैंने 5-5.5 पेजेस की दी हुई है। मेरे पास समझ में आ गई कि नहीं, इस तरीके से आप पूरा कंपाइलेशन हो जाएगा आपके एफआर का। इसमें जितना मैंने आपको पूरा अभी ज्ञान दिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आपके दो टेस्ट, कुछ भी हो जाए बेटा टेस्ट देना है। टेस्ट की इंपॉर्टेंस आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, टेस्ट की इंपॉर्टेंस हम फैकल्टीज जानते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई साल भर 2 साल से नहीं की है, बट उन्होंने ढंग से टेस्ट दे दिए थे, थोड़ा बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ के एंड में पढ़ के टेस्ट दे दिए, उनको लिटरली अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं एग्जाम में। हम जानते हैं जब हमें रिप्लाई आता है रिजल्ट के टाइम पर, बच्चे का रिप्लाई करता है और हम उससे पूछते हैं कि तूने यार इतने अच्छे मार्क्स क्या क्या लाया, तो उसने बोला कि भाई टेस्ट मैंने अच्छे से दे दिए थे। तो टेस्ट पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एंड आई एम ओपनली सेइंग कि आप मेरे को भेजो, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हम अपनी बैच को कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, टेल मी, बैच को कंक्लूड करें। ओके सो गाइस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड सबसे बड़ा वाला थैंक यू टू ऑल, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर, सीरियसली आपने मुझे मौका दिया, मतलब आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा, आपने मुझसे पढ़ाई की। दिस वॉज माई फर्स्ट बैच इन पुणे, लाइव बैच, पुणे मेरा फर्स्ट बैच था, मुझे नहीं पता था कि बच्चे मुझे पुणे में जानते भी कि नहीं जानते, आई वॉज नॉट अवेयर, बट रियली मतलब मुझे बहुत खुशी हुई तुम सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए, और लिटरली इट वॉज लाइक यार मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया, आई डोंट नो अबाउट यू, एंड सीरियसली मतलब फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मतलब तुम लोगों की वजह से मुझे पता है कि आगे मुझे सक्सेस मिलेगी, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो बाय बाय, लास्ट टाइम बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, क्लास का लास्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।